अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? जी, आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? क्लास में कोई इशू तो नहीं आ रहा?
अच्छा जी, शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर 3 चैप्टर्स हो गए थे अलोंग विद द पास्ट पेपर्स। आज हमने अपना चैप्टर 4 करना है। कल हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि भी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने हो तो वैलिड कब होगा। अगर उनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उसमें से मिसिंग हो तो हमने कहा था वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे हमने कल डिस्कस किया था, तो उसमें हमने कहा था जी पहला है कि जी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। दूसरा हमने कहा था कि जी कंसिडरेशन वैलिड होनी चाहिए। तीसरे हमने बात की थी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। चौथी हमने बात की थी कि जनाब किसी भी लॉ ने, यानी कि वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। में से जो हमारे पास कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट की बात है वो हमने चैप्टर 3 के अंदर कवर किया था, ठीक है। अब 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके अंदर और कॉम्पिटेंसी। सो कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों हमने लास्ट चैप्टर में कवर कर लिए थे। आज के चैप्टर में हमने देखना है फ्री कंसेंट और हमारे पास जो void agreements है, यानी कि वो agreement जिनको law ने declare कर दी है as void, ठीक है। So, अगर आपके सामने जब भी सवाल आए, जिस तरह कल एक MCQ था कि उसके अंदर consideration नहीं थी, तो इसी तरह अगर आपका object lawful नहीं है या object या consideration lawful नहीं है या free consent नहीं है या agreement void है जो कि किसी भी law ने उसको declare किया as a void या competent to contract नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा जो आपके पास एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं होता, सही है। कंसेंट से शुरू करते हैं। हमने कहा था कंसेंट से मुराद क्या होता है। कंसेंट से क्या मुराद होता है कि दूसरे की विलिंगनेस, रजा, कि दूसरे की रजामंदी क्या है इस पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अगर तो दो पार्टीज हैं, हमने कहा एक पार्टी है ए और दूसरी पार्टी है बी। ए के पास हमने कहा दो मोटरसाइकिल हैं, एक उसके पास 2023 मॉडल का मोटरसाइकिल और एक उसके पास 2017 का मोटरसाइकिल है, ठीक है। ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें मोटरसाइकिल सेल करना चाहता हूं, कितने का? 5 लाख रुपए का, सही है। क्या तुम मुझसे खरीदोगे, ठीक है। अब ए के माइंड में है कि वो जो है वो 2017 वाला मोटर बाइक सेल कर रहा है। ए के माइंड में क्या है कि ए क्या, ए ने ये प्राइस किस चीज की बताई है? 2017 के मॉडल की 5 लाख बताई है, जबकि बी समझता है कि मुझे उसने प्राइस बताई है 2023 के मॉडल की। अब क्या है कि यहाँ पे दोनों के माइंड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड एक डाउट है। ऐसा ये कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन है, ए को ए ने कोट की है, ए को ए ने 2017 की कोट की है, जबकि बी ने समझा है कि वो मुझे 2023 की कोट कर रहा है, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे दोनों पार्टीज की कंसेंट नहीं है विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट मैटर, दोनों पार्टीज की कंसेंट नहीं है। तो हमने कहा कि यहाँ पे दोनों के दरमियान किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों? हमने कहा था कि जी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट होना पार्टीज की जरूरी है। तो फ्री क्या होता है उसको भी हम देखते हैं। पहले कंसेंट देख लें कि कंसेंट से मुराद क्या है, कि जहां पे दोनों पार्टीज एग्री कर रही हो इन द सेम सेंस। यहाँ पे एग्रीमेंट इन द सेम सेंस हरगिज नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास फ्री कंसेंट का। ये कंसेंट के साथ फ्री लगा हुआ है और हमने कहा था लास्ट क्लास में भी देखा था कि जी कंसेंट को हम फ्री कब कहते हैं, जब उसमें कोअर्शन ना हो, undue influence ना हो, fraud ना हो, misrepresentation ना हो, mistake ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और समझते हैं कि जी coercion क्या होती है, undue influence क्या होता है, fraud क्या होता है, ठीक है। coercion क्या है, नाम से ही नजर आ रहा है कि इसके अंदर क्या है, एक threat है,
किसको कहते हैं? जोर जबरदस्ती को कहते हैं, किसी को जोर जबरदस्ती करना, किसी पे प्रेशर डालना बाय फोर्स, ठीक है, कोअर्जन इसको कहते हैं। अब लॉ ने इसकी डेफिनेशन, यानी कि मगर लॉ में, बेरार में इसकी डेफिनेशन मौजूद है, क्या कहता है? कोअर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कि या तो आपने कोई ऐसा काम ऑलरेडी कर लिया है या आप किसी को थ्रेट कर रहे हो, धमकी दे रहे हो। काम क्या है? कोई भी काम जो पाकिस्तान पिनल कोड ने मना किया है। आपको याद होगा तो हमने सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था देयर इज अ कोड, पाकिस्तान पिनल कोड, जिसमें मेंशन है कि पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के रिहायशी जो इस मुल्क में रहेंगे, उन्होंने क्या जाब्ता अखलाक फॉलो करना है, और अगर उन्होंने उसको फॉलो ना किया तो उसकी पनिशमेंट्स भी उसके अंदर मेंशन है, ठीक है। तो कह रहे कोई भी अगर ऐसा एक्ट कोई पर्सन करता है या उसको करने की धमकी देता है किसी को, जो कि पाकिस्तान पीनल कोड ने मना कर दिया है, ठीक है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करता है अनलॉफुल डिटेनिंग, या थ्रेट करता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर दूंगा, ठीक है, और ये सारे काम क्यों करता है? With the intention of causing any person to enter into an agreement, क्या कि वो दूसरा person उसके साथ agreement कर ले, सही है। Coercion से मुराद क्या है? कि किसी भी किस्म की कोई ऐसा एक्ट करना जो पाकिस्तान पिनल कोड ने मना कर दिया, या किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना या थ्रेट करना। पर्पस क्या है? कि वो पर्सन आपके साथ एग्रीमेंट कर ले। तो हमने कहा, अभी हमने बात की, टुडे इज 15 फरवरी, कोअर्जन। सो हमने अभी बात की कि जनाब कोअर्जन अगर है तो हमने कहा ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी पे कोअर्जन अप्लाई करती है कि भाई उसको सपोज थ्रेट करती है कि अगर तुमने मुझे अपना घर 5,000 रुपए का सेल ना किया तो क्या करूंगा, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, या फिर हमने कहा ये ए खुद नहीं करता, ए अपना एक एजेंट एम्प्लॉय करता है सी कि जनाब जाओ इसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लो, वो बी की प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ एग्रीमेंट ना किया, हमें अपना घर सेल ना किया, तो हम क्या करेंगे कि सपोज तुम्हारे बच्चे को उठा के ले जाएंगे, उसको किडनैप कर लेंगे। ये सारी चीजें कौन सी हैं? पाकिस्तान पिनल कोड ने मना की है। अब हमने कहा ये काम कोअर्जन यानी कि ए खुद भी अप्लाई कर सकता है और ए किसी स्ट्रेंजर से भी कह सकता है कि तुम पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट करो या फिर उसके सन पे करो, जो कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बात समझ गए कि कोअर्जन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट पर्सन भी एक्सरसाइज कर सकता है, और जिस पे एक्सरसाइज हो रही है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी है और बेशक दूसरा पर्सन भी हो सकता है। इसी तरह हमने कहा कोई स्ट्रेंजर भी एक्सरसाइज कर सकता है कोअर्जन, किसके कहने पे? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के कहने पे। तो हमने कहा कि जी ये तो कोअर्जन है। अब इस कोअर्जन अगर आपने एक्सरसाइज की है, फॉर इंस्टेंस ए ने थ्रेट किया बी को कि अगर तुमने मुझे अपना हाउस सेल ना किया तो आई विल बीट योर सन, उसने कहा तुम अपना, ए ने कहा कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, तुम मुझे क्या दो? अपना हाउस दो, ठीक है, और ये मुझसे एग्रीमेंट करो अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हारे सन को उठा लूंगा। बी ने इसके साथ एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, एक डीड बना ली कि जी मैं तुम्हें एग्री करता हूं, मैं तुम्हें घर बेचूंगा 5,000 रुपए का, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी एग्जीक्यूट नहीं करता। भी कहता है मैं अपना घर 5,000 का नहीं दूंगा, कोर्ट के पास चला जाता है और कोर्ट से कहता है इस पर्सन ने मेरे ऊपर कोअर्जन एक्सरसाइज की है, इसलिए मैं इस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा।
याद है हमने पढ़ा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट डिसीजन देगी बी तुम बेशक इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करो, नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट इनकरिंग एनी लाइबिलिटी, कि तुम पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं होगा, बेशक ये डीड हो गया साइन हुए हुए कि तुमने ब्रीच नहीं की। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं जिसमें एग्रीव्ड पार्टी बेशक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करे। जी क्या कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? सिर्फ दो बच्चों का जवाब आया। हमने कहा था कल की क्लास में हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल्स कल हम देखेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हमने कहा था हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जिसके अंदर एक पार्टी को अलाउ होता है, इजाजत होती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेशक परफॉर्म ना करे, वो अवॉइड कर दे, उसके ऊपर किसी किस्म की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी इनकर नहीं होगी। ये नहीं होगा कि भाई इसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो इसने ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था। हमने कहा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था। क्यों नहीं वैलिड था? उसके अंदर कोअर्जन थी। सही है, तो आगे चलते हैं, फर्दर इसको पढ़ते हैं कि हमने कहा कि जी ये तो पता चल गया कि जी अगर आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया जो कि फॉरबिडन है बाय पाकिस्तान पीनल कोड। हमने कहा कि जी अगर आपने किसी के ऊपर कोअर्जन अप्लाई किया फॉरेन में, यूके में अप्लाई किया, तो क्या आप तब भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकते हैं? जी एनीवन? अगर किसी ने किसी के ऊपर कोअर्जन अप्लाई की है और पाकिस्तान में नहीं की, आउटसाइड द पाकिस्तान की है, तो याद रखिएगा अगर कोअर्जन पाकिस्तान में अप्लाई नहीं हुई, आउटसाइड द पाकिस्तान हुई है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे पाकिस्तान पीनल कोड एप्लीकेबल था या नहीं था। अगर आपने केस पाकिस्तान की कोर्ट में किया है, अगर आपने केस पाकिस्तान की कोर्ट में किया है, तो प्रोविजन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड विल अप्लाई। ठीक है, हमने कहा कि अगर किसी पर्सन ने किसी के ऊपर कोर्जन अप्लाई की है, यूके में की है, कनाडा में की है, और वो आके पाकिस्तान की कोर्ट में केस करता है कि भाई इसने मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती से एग्रीमेंट करवाया, तो हमने कहा पाकिस्तान पीनल कोड एप्लीकेबल होगा। क्यों? आपने पाकिस्तान की कोर्ट के अंदर केस को पुटअप किया। सही है। इसके अलावा हमने कहा एक पॉइंट तो हमने सबसे पहले समझा कोअर्जन क्या है, इसके अंदर जो पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट हमने समझा कि जी कोअर्जन जो है वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट भी अप्लाई कर सकता है, और जिसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कोई और पर्सन भी हो सकता है। तीसरी चीज हमने ये देखी कि अगर अब्रॉड में कोई कोअर्जन अप्लाई करता है तो उसका क्या सिनेरियो होगा। चौथी चीज हमने इसमें देखी कि जी कॉन्ट्रैक्ट की क्या, अब कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है। हमने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। फिफ्थ चीज, फिफ्थ पॉइंट जो हमने इसमें देखना है कि जी इसका इम्पैक्ट क्या होगा एग्रीमेंट के ऊपर। सॉरी, इम्पैक्ट तो हमने देख लिया कि जी इफेक्ट क्या है, कि इफेक्ट तो इसका हमने कहा जी वॉइडेबल है, लेकिन जब डिक्लेयर होगा ये वॉइडेबल है तो उसके बाद क्या करें। सपोज हमने कहा कि अगर यहाँ पे कि ए बी ने ए से 5,000 रुपए ले लिए थे, घर देने से इनकार कर दिया था, ठीक है, तो हमने कहा इसके बारे में लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि अगर, छठी चीज हमने इसमें देखनी है कि अगर आपने किसी किस्म का बेनिफिट रिसीव किया है तो आप वो बेनिफिट रिटर्न कर दें। सही है, अगर उसने उससे 5,000 रुपए लिए
तो 5,000 रुपये उसको वापस कर दे। सही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन? जी, किसी का कोई सवाल? आगे है हमारे पास अनड्यू इन्फ्लुएंस। नाम से ही पता चल रहा है कि जी अनड्यू इन्फ्लुएंस से मुराद क्या होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी के ऊपर, किसी की विल पावर के ऊपर, किसी के ओपिनियन के ऊपर इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, कि किसी का इख्तियार होना किसी के ओपिनियन के ऊपर कैसे हो सकता है। हमने कहा कि सपोज दो लोग जिनका आपस में एक रिलेशनशिप है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया कि इस अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा उन पार्टीज के दरम्यान में होता है कि जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। कोअर्जन के केस में ऐसा नहीं था। कोअर्जन के केस में आप पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जरूरी नहीं कोई रिश्ता हो, कोई रिलेशनशिप हो। ठीक है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस की सबसे मेन आइडेंटिटी ये है कि पार्टीज के दरमियान कोई रिलेशनशिप होता है, और इसी रिलेशनशिप का इनमें से पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट गलत फायदा उठाती है। उस रिश्ते की वजह से, उस रिश्ते की वजह से एक अनफेयर एडवांटेज लिया जाता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी जी बिल्कुल इसी में आएगी, इसी में ही आती है। एक्चुअली अनड्यू इन्फ्लुएंस में ही आती है। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप किस किस्म का होगा वो हम देखते हैं। हमने कहा एक तो रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप की वजह से ही आप क्या करते हो कि दूसरे की विल को डोमिनेट करते हो, जिसको आपने ब्लैकमेलिंग कहा। डोमिनेट द विल ऑफ अदर, ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, दैट वुड बी द परफेक्ट वर्ड जो आपने यूज किया था। कि जैसे कि हमने कहा, अब अगर इस पर इसको समझने की कोशिश करें कि जी ये रिलेशनशिप किस किस किस्म के हो सकते हैं, इस पे फर्दर बात करते हैं। हमने कहा जी ये रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं कि जहां पे किसी किस्म की अपेरेंट अथॉरिटी हो एक पार्टी की दूसरी पार्टी की। हमने कहा जी अपेरेंट अथॉरिटी कैसे हो सकती है। हमने कहा जैसे पुलिस ऑफिसर और उसके ऑफिस में आने वाला कोई भी अक्यूज्ड। ठीक है, सपोज एक जगह क्राइम हो रहा था और आप उस जगह से पकड़े गए, सस्पेक्ट। सपोज आपने नहीं किया था, लेकिन पुलिस के दफ्तर में गए, पुलिस का रोबो दबदबा इतना ज्यादा होता है कि पुलिस कहती है तुम ऐसा करो, इस पेपर पे लिख लो कि मैंने ये हरकत की थी, मैं तुम्हें बाद में बचा लूंगा, आई नो द रूल। अब पुलिस ऑफिसर जो है उसकी सॉरी पोजीशन ऐसी है। ठीक है, उसकी पोजीशन क्यों एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, कि जहां पे, और आपकी पोजीशन ऐसी है कि जिस पे आप उसकी हर तरह की बात मान लेंगे। वो आपसे कहता है जरा 10,000 रुपए दो, खामोशी से तुम्हें यहां से निकाल दूंगा, घर वालों को फोन भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसकी पोजीशन क्या है, ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन है, ऐसी उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपको जो कहेगा उस वक्त आप उसकी बात मानेंगे। पेरेंट एंड चाइल्ड के अंदर पेरेंट अथॉरिटी नहीं होती, पेरेंट एंड चाइल्ड के दरम्यान एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। उस पर भी ध्यान। फिर हमने कहा जैसा टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर है, टैक्स ऑफिसर टैक्स पेयर को कहता है कि बात सुनो, मेरे घर में गर्मी बड़ी होती है, जरा एसी लगा दो ना मेरे घर में, तुम्हारे सारे टैक्स का काम हो जाएंगे, तुम थोड़ी सी मुझे ठंडक प्रोवाइड करो, थोड़ी सी मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस के एक इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर,
तो उसके साथ वो किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो एक अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, दूसरे की विल को डोमिनेट कर रहा है। इसी तरह एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से कहता है क्यों, किसी एम्प्लॉई उसका क्या है, एक एम्प्लॉई एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है, वो उसको जो काम देगा जैसे कहेगा, सिंस उसने उसको मंथ एंड पे पैसे देने हैं, तनख्वाह देनी है, तो वो काम करेगा। उसकी विल को डोमिनेट कर सकता क्यों, उसे डर है कि अगर उसने वो काम ना किया तो उसको जॉब से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों लोगों की एक अपेरेंट अथॉरिटी है इनके ऊपर, और इस अथॉरिटी का वो एक अनफेयर एडवांटेज लेते हैं, कैसे, टू डोमिनेट द विल ऑफ। फिर हमने कहा रिलेशनशिप फुडिशरी भी हो सकता है। फुडिशरी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, ट्रस्ट का, जहां पे पार्टीज एक दूसरे पे ट्रस्ट करती हैं, जैसे पेरेंट एंड चाइल्ड, एक बच्चा अपने माँ बाप पे हर तरह से, जैसे गार्डियन एंड माइनर, कि वो जो कहेंगे जैसे कहेंगे हम कर लेंगे। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे से कहता है कि तुम मुझे अपना घर 5 तो सारी जिंदगी तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, घर है 5 करोड़ का, तुम मुझे 5,000 का सेल कर दो, आखरत में ना फायदा देना, दुनिया में देखे जाओ, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, ये क्या था, इस रिलेशनशिप की वजह से कि पेरेंट ने अनफेयर एडवांटेज लिया, कैसे, दूसरे की विल को डोमिनेट कर। इसी तरह इसमें एग्जांपल आती है एडवोकेट एंड क्लाइंट। एडवोकेट एंड क्लाइंट में कोई अपेरेंट अथॉरिटी नहीं होती है, एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है। एडवोकेट अथॉरिटेटिव पोजीशन में नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक क्लाइंट उसको अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा होता है, उसको बता रहा होता है, अपनी ख्वाहिशात बता रहा होता है, साथ में फी दे रहा होता है, उसकी सर्विसेज ले रहा होता है। इसी तरह फियांसे एंड फियांसी, ठीक है, ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी। और तीसरी हमारे पास एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने कहा कि एक पर्सन दूसरे की विल को डोमिनेट, इस वजह से उसकी मेंटल कैपेसिटी की वजह से, फॉर इंस्टेंस हमने कहा जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट है कि जनाब इसमें एक पार्टी जो है उसकी मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड है, ठीक है, कि वो उसके ऊपर कोई डिसेबिलिटी है, या फिर एक घर में रहने वाला बीमार आदमी, ओल्ड मेंबर, और उसका केयर टेकर, कि यहाँ पे केयर टेकर उसकी विल को डोमिनेट कर सकता है कि बाबा जी सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है, इतना तो कर दें कि भाई आप अपना घर मेरे नाम पे कर दें। बात समझ गए। तो हमने कहा ये रिलेशनशिप होता है सब द मेन डिफरेंस बिटवीन टू आइडेंटिफाई, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अदर एलिमेंट प्री कंसेंट इज दैट इसके दर इसमें पार्टीज के दर रिलेशनशिप होता है, एक रिश्ता होता है, वो पेरेंट अथॉरिटी की वजह से भी हो सकता है, वो फिडुशियरी रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकता है, वो एक पर्सन की अफेक्टेड मेंटल कैपेसिटी की वजह से हो सकता है। और हमने कहा इस रिलेशनशिप का क्या इम्पैक्ट होता है, जनाब आप एक अनफेयर एडवांटेज लेते हो, किस कैसे लेते हो, दूसरे की विल को डोमिनेट करके। तो हमने कहा कि जी ऐसे का अगर आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर दिया, सपोज बहू थी वो ससुर का ख्याल रखती थी, बीमार थे, बहू ने कहा कि मैंने आपकी इतनी खिदमत की है, जरा ये अपना घर मेरे नाम कर दे, उन्होंने उसका घर उसके नाम कर दिया। तो हमने कहा बाद में ससुर साहब ने केस कर दिया, ओहो ये तो मुझसे गलती हो गई। तो हमने कहा अब उन्होंने तो एग्रीमेंट किया था, इसका इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट क्या होगा। फोर्थ पॉइंट हमने कहा फैक्ट ऑन एग्रीमेंट क्या होगा, अगर कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करेगी, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा कि भाई इसने वाकई में बहू ने उनकी विल को डोमिनेट किया था कि नहीं किया था, क्या सबूत है। हमने कहा सबूत इसमें ये है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन इस बात को साबित करेगा, हमने कहा वो पर्सन जो डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है,
जैसे कि हमने कहा बहू साहिबा डोमिनेटिंग पोजीशन में थी, हमने कहा वही साबित करेंगी कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं हुआ, इज नॉट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, वही ये साबित करेंगे। यानी कि जो डोमिनेटिंग जी, अब नहीं होगी वॉइस का इशू, कि जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो सब वो प्रूफ करेगी, ठीक है। यानी कि इन तमाम एग्जांपल्स में हमने देखा, जैसे मेंटल का डॉक्टर डोमिनेटिंग पार्टी है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में गार्डियन डोमिनेटिंग पार्टी, यहाँ पे पेरेंट डोमिनेटिंग है, यहाँ पे एडवोकेट है, ऊपर अपेरेंट अथॉरिटी के अंदर एम्प्लॉयर है, टैक्स ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, ये डोमिनेटिंग पार्टीज है। अगर केस को चला कोर्ट के अंदर तो ये साबित करेंगे कि नहीं, हमने नहीं एक्सरसाइज किया अनड्यू इन्फ्लुएंस, हमने नहीं फायदा उठाया, हमने उसकी विल को नहीं किया, इस पर्सन ने अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से, फ्री कंसेंट से ये एग्रीमेंट किया। तो हमने कहा साबित किस पे करना है, इन्होंने करना है। कोर्ट कहा कि साबित करके दिखाओ, बात समझ गए। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, जो कि लास्ट पॉइंट है, जो कि अगर आपने कोई बेनिफिट लिया है तो उसका क्या होगा। हमने कहा सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये घर मेरे नाम कर दो, और उसके अगेंस्ट आपने सिर्फ 5,000 रुपए दिए, तो हमने कहा ये जो बेनिफिट है, आपने क्वेश्चन में तो पढ़ा था कि बेनिफिट सारा का सारा वापस कर दो, इसके अंदर हो सकता है मे रिटर्न और हो सकता है मे नॉट रिटर्न, वो कैसे हो सकता है। हमने कहा इसका फैसला करेगी कौन, कोर्ट। अगर कोर्ट कहती है वापस करो तो करेंगे, कोर्ट ने कहा ना करो नहीं करेंगे, कोर्ट ने कोई कंडीशन लगा दी, ठीक है। जिस तरह हमने क्वेश्चन में कहा था जो बेनिफिट रिसीव किया है वो रिटर्न कर दो, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये डिफरेंस है कि भाई कोर्ट को जो बेहतर लगेगा वो होगा। हो सकता है कोर्ट ने वापस कर दो सारे का सारा, हो सकता है कोर्ट के 50% वापस कर दो, हो सकता है कोर्ट के वापस ही ना कर, बात समझ गए। इज इट क्लियर, आगे चले। काइंडली सबकी तरफ से डन का मैसेज आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे डिफरेंसेस अगर हम पास्ट पेपर देखें, रीसेंट अटेम्प्ट में, वैसे यूजली वो आपसे कोई ना कोई सिनेरियो पूछता था, लेकिन रीसेंट अटेम्प्ट में उसने प्योरली रट्टा बेस सवाल पूछ लिया, ठीक है। और प्रॉब्लम बिजनेस लॉ में अक्सर होती है कि जब भी वो रट्टा बेस सवाल पूछता है तो अगर जिन्होंने उसको प्रॉपर पॉइंट्स ना याद किए हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब सवाल उसने कितने नंबर का पूछा, 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल इस चैप्टर से पूछा, प्लस आपने देखा था कि वो 1 नंबर का एमसीक्यू भी था कंसिडरेशन वाला, यानी कि 8 + 1 = 9, 9 नंबर का सवाल उसने इस चैप्टर से पूछ लिया। आपको याद होगा कि जब हम ग्रेड देख रहे थे तो हमने उस ग्रेड में भी देखा था कि जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तकरीबन 45 नंबरों का वो सवाल पूछ रहा था, ऐसा ही है मैक्सिमम 40 से 45। तो यहाँ पे आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि हर चैप्टर भाई बड़ा इम्पोर्टेंट है, किसी चैप्टर को छोड़ा नहीं, छोटी छोटी चीजें। अब सवाल उसने क्या पूछा, आइडेंटिफाई एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसका मतलब है जो 5 डिफरेंसेस हैं आपने दोनों के बताने हैं, सही है। यानी कि एक डिफरेंस बताएंगे 0.5 इसका, 0.5 इसका, तो 1 नंबर, यानी कि कोअर्शन डिफरेंस आपको पता है टेबल
सेंटर में लाइन लगा के या पैराग्राफ फॉर्म में, दोनों में लिख सकते हैं। और मजे की बात, दूसरा सवाल क्या पूछो, टू डिफरेंसेस बिटवीन फ्रॉड एंड रिप्रेजेंटेशन बताओ। ठीक है, तो अभी सम अगर हम सिर्फ डेफिनेशन को ही देखें ना, डेफिनेशन को देखें और खुद से इसको समझने की कोशिश करें कि भी क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, अगर आपने याद नहीं भी किए तो। हमने कहा जी, उसने पूछा है कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोअर्जन के अंदर क्या था? कोअर्जन के अंदर था थ्रेट था, ठीक है, कोई ऑफेंस था, कोई ऐसा एक्ट जो कोई पाकिस्तान पीनल कोड ने मना किया है, उसकी थ्रेटनिंग थी या कमिट करना था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था आप डोमिनेट कर रहे हो क्या किसी की विल को, सही। यहाँ पे आपका पर्पस ऑफ कोअर्जन क्या था, यहाँ पे पर्पस ऑफ कोअर्जन था टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। यहाँ पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, अनफेयर एडवांटेज, उस रिलेशनशिप का अनफेयर एडवांटेज लो। यहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था बिटवीन पार्टीज, यहाँ पे देर वॉज नो रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। और अगर यहीं से एक और बात निकाल ले कि कोअर्जन किसी भी, हमने कहा कोअर्जन एक्सरसाइज हो सकती थी किस पे, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट पे और स्ट्रेंजर पे भी एक्सरसाइज भी हो सकती थी, और करने वाला कोअर्जन एक्सरसाइज करने वाला कोअर्जन जिसके ऊपर होती थी, ठीक है, दोनों, यानी कि ऑन होम एंड बाय होम। On whom क्या है, जिसके ऊपर एक्सरसाइज हो रही है, बाय होम करने वाला, दोनों पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते थे, स्ट्रेंजर भी हो सकते। हमने कहा था इस केस में सिर्फ और सिर्फ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सही है। तो देखिए, हमने डेफिनेशन से ही चार चीजें निकाल ली। अब रह गया पांचवा, कोअर्जन के अंदर क्या होता था, एक फिजिकल प्रेशर है और यहाँ पे एक इमोशनल है, एक इमोशनल प्रेशर होता है। इसके अलावा हम बेनिफिट की अगर बात करें तो हमने कहा था वो सारे रिटर्न करने होते हैं, और हमने कहा यहाँ पे अगर कोई बेनिफिट लिया है तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि रिटर्न करने। इसी तरह कोर्जन के अंदर ये आप फिजिकल प्रेशर एक्सरसाइज कर रहे हो, ये क्रिमिनल रॉन्ग है, क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है। इमोशनल प्रेशर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती, क्यों, फिजिकल में कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी को पीट रहे हो, किडनैप कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर रहे हो। इसी तरह हमने कहा कि यहाँ पे जो प्रूफ है कौन करेगा, जी मेरे ऊपर कोअर्जन हुई है, हमने कहा वही करेगा जो जो आके कहता है कि मेरे ऊपर कोअर्जन एक्सरसाइज हुई है, ऑन होम, यानी कि जिसके ऊपर एक्सरसाइज हुई है वही आके इस चीज को प्रूव करेगा कि देखो इसने मेरे ऊपर कोअर्जन एक्सरसाइज की थी और इस तरह की थी, मेरे बच्चे को अगवा किया था, मुझे मारा था, ये देखो जख्मों का निशान। और यहाँ पे हमने कहा था डोमिनेटिंग पावर प्रूव करेगी कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं। तो हमने बातों बातों में साथ लिख लिए, बात समझ गए, क्लियर है तो बताइए, आगे चलते हैं। सो अगर आपको डिफरेंसेस याद नहीं रहते तो बेसिक डेफिनेशन को माइंड में ले आए और वहां से चीजें निकालना शुरू करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए जी, आगे शुरू करते हैं। हमारे पास जो थर्ड हमने कहा था वो है फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है, कोई बताएगा? फ्रॉड हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था, व्हाट इज फ्रॉड? एनीवन, फ्रॉड क्या होता है उर्दू में, फ्रॉड का क्या मतलब होता है?
आज क्लास इंटरेक्ट नहीं कर रही, खैरियत है? कोई आपकी तरफ से आज कोई बातचीत नहीं है? अहमद, फातिमा, एहतशाम, मुईज, नुमान, साद, तैयब, उसामा, उमर, जरार, आप लोगों को तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई चैप्टर्स हो रहे हैं। अब तो आप लोग सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। धोखा देना, धोखेबाजी, फ्रॉड क्या होता है? धोखेबाजी। और आपको याद हो हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि जी फ्रॉड और विलफुल निग्लेक्ट में डिफरेंस होता है। विलफुल निग्लेक्ट क्या होती है? वो जो आप लोग करते हैं कि भाई आपने पढ़ना है, इधर कहते हैं यार थोड़ी सी देर इंस्टाग्राम यूज कर लेते हैं, थोड़ी सी देर पबजी खेल लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। कि आपका पढ़ाई का टाइम है लेकिन आप उसके ऊपर जानबूझ के वो काम नहीं कर रहे होते। यानी कि विलफुल निग्लेक्ट क्या होता है? कि यू आर सपोज टू डू समथिंग बट यू डोंट डू दैट। कि आपको कहा गया है काम करने को और आप वो काम नहीं करते। वो काम आप इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि आपका दिल नहीं कर रहा होता। इसलिए रीजन ये नहीं होती कि आपकी इंटेंशन है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं। आप अपने माँ बाप के साथ फ्रॉड की नीयत तो नहीं होती ना। आप पबजी खेल रहे हो, माँ बाप के साथ फ्रॉड हो गया। सिर्फ क्या है कि आप सुस्ती कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉड का मतलब क्या होता है? कि फ्रॉड के अंदर मेन चीज आपकी नीयत की होती है। इट्स योर इंटेंशन टू डिसीव अदर। सही है, आपकी नीयत क्या है? हाँ, आप एग्जैक्टली, रॉन्गफुल डिसेप्शन। कि आपने अपने अब्बा से पैसे लिए कि जी मैंने फीस जमा करानी है, और आपने जाके चिकन कढ़ाई की पार्टी कर ली, दोस्तों को खिला लिया। दिस इज धोखा, दिस इज नॉट लापरवाही। ये धोखा है कि आपने धोखा दिया किसको? पेरेंट्स को। लापरवाही या विलफुल निग्लेक्ट, दिस इज समथिंग एल्स। के आपने इन दोनों चीजों में जब डिफरेंस देखना है तो आपने इंटेंशन को देखना है। तो फ्रॉड के अंदर हमने कहा कि जी दो पार्टीज हैं, ए बी। ए क्या करता है? ए कहता है मैं तुम्हें बेचूंगा एक वॉच जो कि है जापान मेड, उसके बदले में तुम मुझे दोगे 15,000 रुपए। ए को पता है कि ये घड़ी जापान मेड नहीं है। ए नोज दिस थिंग, उसको ये बात, ये फैक्ट मालूम है कि दिस इज नॉट जापान मेड, ये लोकल है। ठीक है, कि ये तो लोकल है। सही है, अब उसको जब ये मालूम है और वो बी को कहता है, बी जो है ना सादा मासूम बंदा है, इसको नहीं पता चलेगा। तो क्या है, एक ही नीयत, नीयत का फितूर है उसकी। उसको मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है, उसको मालूम है जो वो बात कह रहा है वो ठीक नहीं है। और वो ये बात क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है ताकि दूसरे को इंड्यूस कर सके कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। अब ये बात ए खुद भी कह सकता है, अपने किसी एजेंट यानी कि उसकी शॉप पे बैठने वाले वर्कर्स भी कर सकते हैं, या किसी के साथ मिलके, डी के साथ, ए और डी मिलके बी को कहते हैं यार बड़ी जबरदस्त वॉच है, जापान मेड है, ले लो 15,000 रुपए की, ऐसी घड़ी तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। वाकई में ऐसी नहीं मिलेगी, ऐसा धोखा दोबारा कभी नहीं मिलता। तो हमने कहा पहली चीज उस सिचुएशन के अंदर क्या हो कि जनाब पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी बात करिए कि जो कि सच नहीं है, एंड उसको खुद भी ये मालूम है, हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसको खुद भी मालूम है कि जो मैं कह रहा हूँ वो क्या है, झूठ है। या फिर वो जानबूझ के किसी चीज को छुपाए, छुपाए, एक्टिव कंसीलमेंट। ठीक है, कि किसी चीज को वो हाइड करे। फॉर इंस्टेंस कैसे हाइड करे? हमने कहा ए बी को एक फर्नीचर सेल कर रहा है, उस फर्नीचर को दीमक लगी हुई थी,
उसने क्या किया, जहां दीमक लगी हुई थी, जहां प्रॉब्लम थी, उन सारे क्रैक्स को जबरदस्त तरीके से फिलिंग की और सेल कर दिया। ठीक है, यानी कि उसने छुपा दिए उसके अंदर जो फॉल्ट थे, और ऐसे छुपाए कि दूसरी पार्टी नॉर्मल एग्जामिनेशन से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। तो ए ने क्या किया, धोखा दिया। क्यों दिया? ताकि बी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके, या ए कोई ऐसा प्रॉमिस करे जिसमें उसको पता है कि उसने उसको फुलफिल नहीं करना, के बाद में कोई वो कॉन्ट्रैक्ट वो फुलफिल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें घर बेचूंगा, और बस ऐसे ही उसने उसके साथ लंबी लंबी बातें कर ली, लेकिन एंड एट द एंड वो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ करना नहीं चाहता, या कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ही ऐसी है, उस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज ही ऐसा है कि उसको धोखा देना चाहता है, या कोई एक्ट या ओमिशन ऐसी करते हैं जो कि लॉ ने क्लियरली बता दिया कि ये फ्रॉड है। ठीक है, तो हमने कहा कोई भी ऐसा एक्ट अगर कोई पार्टी कमिट करती है, ये देखिए, कोई भी ऐसा एक्ट कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट करे, या किसी के साथ मिलके करे, या उसका एजेंट करे, जिसका पर्पस दूसरे पर्सन को धोखा देना है, ठीक है, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हमने कहा इसको हम कहते हैं फ्रॉड। बात समझ गए? हमने कहा फ्रॉड की डेफिनेशन हमने देख ली, इसके कैरेक्टर देख लिए, उसमें हमने देख लिया कि एग्जैक्टली सिचुएशन के अंदर फ्रॉड कैसे होगा। अब एक और चीज पे आते हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, साइलेंस एज टू फ्रॉड। एक पर्सन दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमने कहा ए बी को एक हॉर्स सेल कर रहा है, और उसको मालूम है, ए नोज के हॉर्स अनसाउंड माइंड है, हॉर्स ठीक नहीं है, लेकिन ए रिमेन साइलेंट, चाहे तमाम डेफिनेशन का क्राइटेरिया फुलफिल होता हो कि ए की नीयत ही धोखा देना है, ए चाहता ही है कि बी उससे हॉर्स से जो है ना परचेज कर ले, लेकिन ए खामोश रहता है उसके इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ए उसकी अनसाउंडनेस के बारे में कुछ नहीं कहता, रिमेन साइलेंट। तो हमने कहा दिस इज नॉट फ्रॉड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पार्टी खामोश है, वो कुछ नहीं बोल रही, वो उसको इंड्यूस नहीं कर रही, बस उसने कहा ये मैं घोड़ा बेचना चाहता हूं, तुम खरीदोगे, और इस बारे में नहीं बताता कि जी ये घोड़ा ठीक नहीं है, तो हमने कहा ये फ्रॉड नहीं है, लेकिन इसकी दो एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्टीज के दरमियान फिडिशरी रिलेशनशिप है, फिडिशरी रिलेशनशिप किसको कहते हैं, ट्रस्ट के रिलेशनशिप को, अभी हमने देखा था फिडिशरी रिलेशनशिप कहाँ कहाँ आया था, पेरेंट चाइल्ड में, फियांसे फियांसी में, अभी हमने देखा था आपके पास अंडियो इन्फ्लुएंस के अंदर, गार्डियन माइनर में, एडवोकेट और क्लाइंट में, ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी में, कि अगर फिडिशरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, हमने कहा फिडिशरी रिलेशनशिप की बेसिस क्या है, ट्रस्ट। तो आपका जिसके साथ फिडिशरी रिलेशनशिप है, आप उसके ट्रस्ट को तोड़ नहीं सकते, आप उस रिलेशनशिप की बेस को इम्पैक्ट नहीं कर सकते। अगर एक जो ये जो पार्टी ए और बी हॉर्स सेल कर रही है, ये पेरेंट होती और ये चाइल्ड होती, हमने कहा अगर पेरेंट रिमेन साइलेंट और अपने ही बच्चे को एक गलत घोड़ा सेल कर लेता है, तो ये फ्रॉड होगा, ये फ्रॉड होगा। क्यों फ्रॉड होगा? क्यों?
यहाँ पे जो दोनों पार्टीज के दरमियान रिलेशनशिप है, हमने कहा उनकी ड्यूटी है, इट इज ड्यूटी ऑफ द पर्सन रिमेनिंग साइलेंट टू स्पीक। क्यों? आपका ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। आपने सारे फैक्ट्स अपनी औलाद को बताने हैं, अगर आपने नहीं बताया तो फिर आपने फ्रॉड किया है। बात समझ आई? अगर एडवोकेट और क्लाइंट है, हमने कहा एडवोकेट उसे क्लाइंट से कहता है कि मुझे इतने पैसे दो, और एडवोकेट को पता है कि इस पैसे से आगे कुछ होना नहीं है, वो सिर्फ धोखा दे रहा है, लेकिन वो खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता। हमने कहा वो उसने फ्रॉड किया है। क्यों? उसकी ड्यूटी थी बोलना, उसको सही गलत बताना, उसका रिलेशनशिप ट्रस्ट का रिलेशनशिप था। तो अगर फुडिशरी रिलेशनशिप है तो फिर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट नहीं रह सकती। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो डन करें, सो दैट हम इसकी नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ चलें। दूसरी एक्सेप्शन इसमें क्या है? दूसरी एक्सेप्शन ये है कि जहां पे आपकी साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, इसके अंदर आपके पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान बेशक कोई रिलेशनशिप ना हो, लेकिन ए है, ए सपोज ए और बी है, ए अपना हॉर्स बी को सेल कर रहे हैं और बी कहता है कि जनाब अगर अगर यानी कि आप सवाल पे गौर कीजिएगा कि अगर तुमने इस बात से इनकार ना किया तो मैं समझूंगी घोड़ा ठीक है। तुम मुझे घोड़ा बेच रहे हो, ठीक है, अगर बताओ घोड़ा ठीक है या नहीं। अगर तुमने इसका जवाब ना दिया तो मैं समझूंगी घोड़ा ठीक है। यानी कि बी ए से कह रहा है कि यू हैव टू रिप्लाई मी रिगार्डिंग द साउंडनेस ऑफ हॉर्स। नो रिप्लाई आया तो इसका मतलब है हॉर्स इज साउंड माइंड। और अगर ए का रिप्लाई नहीं आता, ए खामोश रहता है, तो इसका मतलब है कि नो रिप्लाई इज इक्वल टू साउंड माइंड। और अगर फिर भी घोड़ा साउंड माइंड नहीं था तो अब क्या हो गया? अब फ्रॉड होगा। बात समझ आई? कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि बी ए से खुद कहता है कि मुझे इस घोड़े की साउंडनेस के बारे में बताओ, कि तुम्हारी खामोशी का मतलब यह घोड़ा ठीक है, यानी कि साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? दोनों एक्सेप्शन समझ आ गई? जी, बाकी सब बच्चों का अभी डन का मैसेज नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। गुड 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 गुड, नेक्स्ट ही समझते हैं। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि भाई इस दफा रट्टे वाला सवाल आया तो अगली दफा भी शायद रट्टे, हो सकता है वो आपसे सिनेरियो बेस्ड सवाल पूछे, ठीक है। सो यू हैव टू, इस फ्रॉड के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और याद रखिएगा कि जनाब एमसीक्यू में तो इस चैप्टर को छोड़ता ही नहीं, मिस्टेक एमसीक्यू आपको हर जगह ऑलमोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर बड़ी मजे मजे की चीजें हैं, कहीं वॉइडेबल हो जाता है, कहीं वॉइडेबल के एक्सेप्शंस हैं, कहीं वो बेनिफिट के रिटर्न की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए सवाल वो बड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है। और आपने देखा 1.5 मार्क्स के होते हैं एमसीक्यू, ये भी हो सकता है 2 नंबर का भी एमसीक्यू पूछ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसने कहा 15 नंबर के एमसीक्यू पूछूंगा, ये नहीं कहा 15 एमसीक्यू, ठीक है। अब हमने कहा इस तरह के एग्रीमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा,
ऑन एग्रीमेंट क्या होगा? तो हमने कहा जी ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर फ्रॉड हो वो वॉइडेबल होता है, ठीक है? यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कह सकती है कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करती, क्यों? इसने मेरे से फ्रॉड किया। सपोज दो पार्टीज हैं ए और बी, ए ने बी के साथ फ्रॉड किया। हमने कहा अब बी के पास, यहाँ पे देखिएगा, अब ये नई बात मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं पढ़ी, कि बी इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकती है कि विदाउट इनकरिंग एनी लाइबिलिटी। वॉइडेबल का क्या मतलब होता है कि बी कहे कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करती, लेकिन बी इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस भी कर सकती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, हाँ इसमें फ्रॉड था लेकिन स्टिल इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। फॉर इंस्टेंस इसमें कैसे हो सकता है कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें एक वॉच सेल करूंगा जापान मेड, और बी ने कहा मैं तुम्हें इसके बदले में 15,000 रुपए दूंगी। बी ने आगे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सी के साथ कि मैं तुम्हें जापान में वॉच सेल करूंगी 20,000 रुपए की। अब ए ने जब बी को जब वॉच दी, इसने उसको 15,000 रुपए दी, उसको पता चला लोकल है, ये तो लोकल है, सही है? तो बी ने कहा ठीक है तुम मुझसे 15,000 रुपए लो और ये लोकल वॉच मुझे दे दो, लेकिन आगे बी का कॉन्ट्रैक्ट विद सी भी तो है, ठीक है? अब सी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकी, किस वजह से? इस ए के फ्रॉड की वजह से। तो जब हम इंशाल्लाह चैप्टर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ेंगे, उसमें हमने एक चीज देखेंगे कि आप किस किस्म के डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कि अगर तो बी ने ए को बताया हुआ कि जनाब तुम मुझे घड़ी दोगे तो मैं आगे सी को दूंगी, अगर बी ने ए को सॉरी बी ने अगर ए को ये बात बताई हुई कि भाई अगर तुमने जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैंने आगे भी एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो इस केस में अगर ए ने बी के साथ फ्रॉड किया और बी अपना सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सका, तो बी और सी के नॉन कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना के जो नुकसान है डैमेजेस, वो भी ए पे करेगा। बात समझ गए? क्यों? बी सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सका, बी सी को चीज टाइम पर सही चीज प्रोवाइड नहीं कर सका, और ये बात उसने ए को बताई हुई थी, तुम मुझे घड़ी दोगे मैं आगे से सी को दूंगा। हाँ, अगर उसने नहीं बताई हुई थी तो फिर ये ए से बी सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट की जो नॉन फुलफिलमेंट है, जो उसका फ्रॉड है, उसके क्लेम कर सकता है, परफॉर्मेंस पे इंसिस्ट करेगा और कहेगा कि जो तुमने मेरा नुकसान किया वो पूरा करो, क्यों? तुमने मुझसे वादा किया था जापान मेड का, तुमने मुझे दे दी है लोकल मेड, तो मुझे ये लोकल दे दो और जो मेरा नुकसान हुआ वो पूरा करो। और जो अगली पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सका, वो डिपेंड करेगा कि बी ने ए को बताया हुआ था या नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब चलते हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और यह सवाल आ सकता है कि कुछ जगहों पे फ्रॉड होता है लेकिन वो वॉइडेबल नहीं होता, यानी कि एक्सेप्शंस टू वॉइडेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, फ्रॉड हुआ है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वो कैसे? फॉर इंस्टेंस ए ने क्या कहा कि भाई मैं तुम्हें कार सेल करूंगा बी को, सही है? और हमने कहा ए बी को कार सेल करता है और वो करता है 15, हमने कहा सपोज 15,000 रुपए की, और ये कहता है बड़ी जबरदस्त कार है, कभी भी इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन जब बी कार को हाथ लगाता है तो उसको पता चल जाता है कि वो स्किन रफ है और उसको पेंट किया गया है,
यानी कि बी एक नॉर्मल ऑर्डिनरी डिलीजेंस से इस बात का अंदाजा लगा ले कि ये जो ए बात कह रहा है वो गलत है, ठीक है, या फिर ए खामोश है, ए हमने कहा ए बारे में नहीं करता, ये नहीं बताता है कि भाई इसका एक्सीडेंट हुआ था और मैंने इसको पेंट किया, लेकिन बी उसको फाइंड आउट कर लेता है किससे, थ्रू ऑर्डिनरी, यानी कि जो चीज आप नॉर्मल तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि आपको एक चीज नजर आ रही है, तो हमने कहा उस केस में आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ये तो फ्रॉड हुआ है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दूं। हमने कहा बेशक फ्रॉड है, बेशक फ्रॉड है, ए ने उस एक्सीडेंटेड कार सेल की, लेकिन बी इस बात का पता लगा था कि ये एक्सीडेंटेड कार है। अब बी ने जब कार खरीद ली, अब बी नहीं कह सकता मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। सही है। दूसरी एग्जांपल बड़े मजे की। दूसरी एग्जांपल ये है कि जो है ए वो चाहता है कि बी उसके कंपनी के शेयर्स परचेज कर ले, और उसके लिए क्या करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर गलतियां, मिस स्टेटमेंट जानबूझ के गलत बनाता है, ताकि बी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे और शेयर्स ले ले कि यार कंपनी तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। अब मजे की बात क्या है, बी विदाउट सीइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि वो जो उसने इतनी मेहनत की गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, उसको धोखा देने पे इतनी मेहनत की, बी ने उसको देखा ही नहीं और फिर भी शेयर, यानी कि बी के साथ धोखा ए ने देने की कोशिश तो की, लेकिन बी इतने मासूम थे कि वो उस धोखे में आए बगैर ही उनके साथ फ्रॉड हो गया, यानी कि उन्होंने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा ही नहीं, यानी कि उन्होंने कंपनी के शेयर्स लिए, ए ने उस फ्रॉड को करने के लिए गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, ठीक है, उसको इंड्यूस करने के लिए कि वो एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको धोखा देने के लिए उसने ये एक्ट किया, लेकिन बी साहब कितने मासूम थे कि उन्होंने इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड, उनको पता ही नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स ले लिए, यानी कि वो जो धोखा देने का एक तरीका कार उन्होंने बनाया था, उन्होंने वो उसको देखा ही नहीं, यानी कि बी के साथ किसी उन्होंने धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उस धोखे में आए बगैर फिर भी धोखा खा गए। हमने कहा अब बी ये नहीं कह सकता ओ इन्होंने तो मुझे धोखा दिया, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बनाई थी। हमने कहा बी आपने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पे शेयर्स खरीदे ही नहीं, आपको तो मालूम ही नहीं था कि वो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, यू हैव टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू परचेज दिस शेयर्स, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। जी कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने यहाँ पे दो तरह की एक्सेप्शन देखी, एक कि जी पहले हमने एक्सेप्शन देखी कि जी यहाँ पे फ्रॉड नहीं है, ठीक है, एक्सेप्शन एज टू दी फ्रॉड, हमने कहा जो साइलेंस है, हमने कहा साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड। हाँ कब फ्रॉड होगी, कि अगर अगर हमने कहा पार्टीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है फिडिशरी है, या फिर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, तब वो फ्रॉड होगी। फिर इसके अलावा हमने कहा कि जी जहां पे जिस एग्रीमेंट के अंदर आपके साथ फ्रॉड कॉज किया जाता है, आप वो वॉइडेबल होता है, लेकिन हमने वॉइडेबिलिटी की भी एक्सेप्शन देख ली कि कब वॉइडेबल नहीं होगा। हमने कहा कि जी तब वॉइडेबल नहीं होगा अगर वो इस चीज को नॉर्मल ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ आइडेंटिफाई कर सकता था, या फिर हमने कहा कि दूसरी बात ये है कि उसको इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड है, उसको पता ही नहीं है कि
उसके साथ फ्रॉड है, यानी कि अ फ्रॉड, उसके साथ एक फ्रॉड जरूर हुआ है, लेकिन वो फ्रॉड उसकी कंसेंट की रीजन नहीं था। उसने जो एग्रीमेंट किया है उसकी रीजन वो फ्रॉड नहीं था। उसने अपनी विल से, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। देर वॉज अ फ्रॉड इन द बैकग्राउंड, लेकिन उस फ्रॉड की बेसिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। जी, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्लास में 13 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्या सबको क्लियर है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड सवाल बहुत अच्छा सवाल बन के आ सकता है। आप लोगों ने देखा ऑलरेडी 8 नंबरों 9 नंबर का सवाल इस चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है? तो अगर वो बनाना चाहे तो बहुत अच्छा सवाल बनाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताऊं वो ये कि आपके एग्जाम के अंदर रटे का सवाल तो मैक्सिमम 5 नंबर का आया हुआ है, लेकिन सिनेरियो बेस्ड सवाल मैक्सिमम 4 नंबर का आया हुआ है। 5 नंबर भी इस तरह आया है, 6 नंबर भी इस तरह के, वो उसके पार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है? चलिए जी, अब शुरू करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन को और मिस्टेक रह गए। अभी हमने देखा था जी, 3 नंबर का सवाल उसने पूछा हुआ था, बताओ मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या डिफरेंस है? ऐसा ही है, यही सवाल था जी, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के अंदर क्या डिफरेंसेस है। और 3 नंबर का सवाल है और उसने नंबर लिए हैं 2, ठीक है? और सॉरी, डिफरेंसेस पूछे हैं, 2 डिफरेंसेस बताने हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी किताब में 2 ही दिए गए, ठीक है? वो ही डिफरेंसेस हैं और उसने दोनों पूछ लिए हैं। चलें जी, शुरू करते हैं कि जी मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। किसी का सवाल किसी किस्म का हो, कोई क्वेरी हो तो वो पहले पूछ ले। आज सवाल बहुत कम है। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन नाम से ही क्या लग रहा है? नाम से लग रहा है कि आप कोई बात बता जो रहे हैं वो ठीक नहीं है। रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, मिस रिप्रेजेंटेशन गलत रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है जी, तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ठीक है? यानी कि अब जो मैं बात आपसे कर रही हूँ कि जो मैं बात आपको बता रही हूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन इसमें वो फ्रॉड में फर्क क्या है कि जो बात मैं कह रही हूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे क्या लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है। फ्रॉड के अंदर आपको मालूम होता था कि आप जो बात कर रहे हो वो गलत है।
ठीक है जनाब। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पे इंटेंशन टू डिसीव नहीं होती, ये एक इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन है। और इसके अंदर हमने कहा जो बात करने वाला है, जो सब्जेक्ट मैटर के फैक्ट्स बताने वाला पर्सन है, उसको ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन असल में वो ठीक नहीं होता। तीसरा, आई कैप का जवाब जब आप दे के आते हैं एग्जाम में, आपको क्या लगता है कि आप तो बिल्कुल सही जवाब दे के आए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, असल में ऐसा हरगिज नहीं होता। आपको लगता है आप ठीक दे के आए हैं, आपको लगता है आपके नंबर पूरे आने चाहिए, आपको लगता है आप पेपर पास का पास। हमने कहा ये इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन है आपकी, दिस इज नॉट रियलिटी। यू थिंक दैट व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, बट इन फैक्ट दैट इज नॉट ट्रू। क्यों? एग्जामिनर कमेंट पढ़े ना, तो वो आपकी वो तमाम गलत फहमियों को दूर कर देता है। अगर हम रीसेंट एग्जामिनर कमेंट देखें, तो मैंने आपसे कहा था एग्जामिनर कमेंट आप लोगों ने लाजमी देखना है, लेकिन अगर आप एग्जामिनर कमेंट की शुरू वाली बातें पढ़े ना, वो कहता है अगर आप ये देखें क्वेश्चन वाइज, वो आपको रिजल्ट बताता है कि जी क्वेश्चन 1 में 39% जो कि एमसीक्यूज का होता है, 2 में 62%। अगर हम ये देखें कि ये जो रट्टे वाला सवाल था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 में 80% रिजल्ट आए, वो जो डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा हम सबसे देखते हैं पुअर रिजल्ट कौन सा, 7 में 13%। आई गेस दैट वाज पार्टनरशिप का सवाल जो हमने सबसे पहले शुरू में किया था, ऐसा ही है। 7 वाज पार्टनरशिप का सवाल, 6 7 यस। तो जनाब रिजल्ट क्या है, 13%, यानी कि 13% ने सिर्फ और सिर्फ उस सवाल का ठीक जवाब दिया है। तो वो जो रिमेनिंग 77% थे, उनको क्या लग रहा था कि हम तो ऐसा फिट पार्टनरशिप का जवाब दे के आए हैं ना कि भाई आई कैप भी कहेगा क्या पार्टनरशिप आती है इन बच्चों को। और जरा एग्जामिनर का कमेंट पढ़िए, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 व्हिच मे लार्जली बी एट्रिब्यूटेड टू सिलेक्टिव स्टडीज एंड फेलियर टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई रेलेवेंट नॉलेज ऑफ द लॉ टू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। जनाब बस सिलेक्टिव स्टडी करते रहे हो, रटे शटे मारते रहे हो, असल बात पता ही नहीं है, नॉलेज है ही नहीं। इसीलिए आपको एडवाइस की जा रही है कि व्हाइल अटेम्प्टिंग अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे शुड डिटरमिन द कोर इशू, पहले मसला आइडेंटिफाई करो और फिर रेलेवेंट प्रोविजन लगाओ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था उस सवाल को करते हुए, भाई देखो पूछ क्या रहा है, क्या उसका वो कहता था जी नुमान का क्लेम वैलिड है कि नहीं, वो सना का क्लेम वो सलीम की बात ठीक है कि नहीं थी। तो मैंने कहा था वो क्या कह रहा है, सलीम की बात क्या है, सलीम का क्लेम क्या है, उसको फिर देखो कि इशू मसला प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो आपको लग रहा होता है कि आप तो जबरदस्त लिख के आए हैं, लेकिन ऐसा हरगिज होता नहीं है। हाँ, इसमें किसी किस्म की धोखा नहीं है, ये आपकी एक पॉजिटिव अजर्शन है। आपको लग रहा होता है कि ये बात ठीक है, लेकिन असल में वो ठीक, ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, आपको लग रहा होता है आप पास हो जाएंगे, लेकिन असल ये बात नहीं होती है। तो आए क्या आपको रिजल्ट वाले दिन बताएगा असल बात, तो ठीक है। हमने कहा इसके अंदर धोखादही नहीं होती, लेकिन स्टिल क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। आपका एक काम था बताना, आपका एक काम था करना और आपने नहीं किया, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ए बी को एक बिजनेस सेल कर रहा है, और जब बिजनेस की बी ने फिजिबिलिटी स्टडी की थी, बिजनेस वाज ग्रोइंग, ठीक है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल हमने कहा कोई कंपटीटर आ गया, बिजनेस की जो सेल्स थी वो डिक्लाइन हो गई। अब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बी को ये बात बताना, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बी को ये बात बताना कि भाई से बिजनेस की सेल्स डिक्लाइन हो गई है, बिजनेस की वैल्यू अब नहीं रही, लेकिन वो ये बात उसको नहीं बताता।
हमने कहा उसने क्या किया है, उसने भी मिसरिप्रेजेंटेशन की है। या फिर तीसरी चीज हमने कहा कि इसके अंदर जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस चीज की सेल है, परचेज है, उसके बारे में वो इनोसेंट एक मिस्टेक कर लेता है। अब वो क्या हो सकती है वो मिस्टेक? हमने कहा वो मिस्टेक उस सब्जेक्ट मैटर के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट कर सकती है। आप समझ गए, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट कर सकती है। वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक है? हमने कहा कि फॉर इंस्टेंस ए बी से कहता है कि ये लो आईफोन 14 प्रो मैक्स, इसके अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, फैक्ट्री से ताजा ताजा आया हुआ। लेकिन उसके अंदर कोई बिल्ट इन डिफेक्ट तो हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो देयर इज नथिंग एज दे व्हिच इज परफेक्ट, ठीक है, हो सकता है उसके अंदर बिल्ट इन डिफेक्ट हो, फैक्ट्री से डिफेक्ट हो के आया है, उसको तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम। इसीलिए तो वारंटी होती है हर चीज की। वारंटी कोई भी कंपनी क्यों देती है कि भाई अगर कोई मसला हो जाए तो आप ले आओ। इसका प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम कुड अराइज, प्रॉब्लम हो सकता है, सही है। सो ऐसे एग्रीमेंट का, अच्छा इसमें ना जो चीज हमने फ्रॉड में पढ़ी थी वो सारी इसमें, लेकिन हर चीज का सिनेरियो मुख्तलिफ है। फॉर इंस्टेंस इसके अंदर भी हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, इसके अंदर भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के पास ऑप्शन है कि वो बेशक उसको वॉइडेबल ना करे, लेकिन दूसरी पार्टी से कहे तुम परफॉर्म करो, यानी के पास उसके पास दोनों ऑप्शन है। अगर ए ने बी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन की है तो उसके पास ऑप्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो परफॉर्म ना करे, या फिर इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस, परफॉर्म करे, कहे कि जी हाँ परफॉर्म किया जाए, ठीक है। और अगर उसकी कोई डैमेजेस उसने लेने हैं बिकॉज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, पॉइंट बी समझा दें, पॉइंट बी, ये मैंने बताया ना ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने तमाम फैक्ट्स बताने हैं, अगर आपने नहीं बताया तो दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन। जैसे ए ने बी को एक बिजनेस सेल करना था, एट द टाइम ऑफ जब बी ने उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की कि जी बिजनेस खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, बिजनेस ग्रोइंग था, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल उसकी सेल्स डिक्लाइन हो गई, हमने कहा कंपेटिटर आ गए, तो ए की जिम्मेदारी थी कि वो बी को ये बात बताए कि भाई इसकी वैल्यू कम हो गई है, लेकिन ए खामोश रहता है, ए कुछ नहीं बोलता, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर गई है। सपोज उसने कहा था मैं 5 करोड़ का तुम्हें बिजनेस सेल करूंगा और उसकी वैल्यू अब 1 करोड़ की रह गई है, लेकिन वो उसको ये बात नहीं बताता और 5 करोड़ का सेल कर लेता है, तो ये उसने मिस रिप्रेजेंटेशन की है। सी मैंने अभी बताया है कि जहां पे आप किसी को कहो कि है इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन कि जी ये जो मैं तुम्हें फोन बेच रहा हूं ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हमने कहा उसके अंदर हो सकता है कोई बिल्ट इन डिफेक्ट हो, फैक्ट्री से जब आया तब का ही डिफेक्ट हो। रिसेंटली मैंने खुद एक फोन लिया, ठीक है, तो अब जिस शॉप वाले ने मुझे बेचा उसने तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल न्यू टिन पैक खोला, मैंने खुद उसको सील उसकी उतारी सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ कि फोन के अंदर बिल्ट इन डिफेक्ट था, वो हैंग हो जाता था, वो रुक जाता था, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे जाके उसकी वारंटी क्लेम करनी पड़ी, दे हैव टू गिव मी अनदर फोन, वो रिप्लेस हुआ, सही है। अब दुकान की तरफ से तो यही है ना, दुकान वाला तो उसको तो नहीं पता कि इसके अंदर हो सकता है किसी फोन के अंदर बिल्ट इन डिफेक्ट हो सकता है किसी के अंदर ना हो, लेकिन अगर कोई पर्सन ये कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, वो नहीं कह सकता। इसीलिए तो कंपनी वाले, मैंने आपको बताया, वारंटी देते हैं चीजों की, जो चीज बगैर वारंटी के मिल लेते हैं आप, उसमें आपको डर भी तो होता है ना कि नुकसान हो जाएगा। तो अगर कोई पर्सन किसी को सेल करता है कि भाई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है,
लेकिन क्या हुआ, बाद में एक बिल्ट इन डिफेक्ट निकल गया। अब उसने जो रिप्रेजेंटेशन की थी, इसकी इंटेंशन फ्रॉड नहीं थी, इनोसेंट थी। से तो हमने कहा ये मिस रिप्रेजेंटेशन के क्राइटेरिया में फॉलो करता है, और यहाँ पे पार्टी के पास ऑप्शन है कि चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करे, या फिर वो ये भी कह सकती है आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें और अगर उसका कोई नुकसान हुआ है तो उसके डैमेजेस दे दे। हमने कहा वॉइडेबिलिटी की अगेन यहाँ पे भी दो एक्सेप्शन है। नंबर वन एक्सेप्शन, अगर आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ उस मिस रिप्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते थे, फॉर इंस्टेंस हमने कहा ए उसको अपना मोटरसाइकिल सेल कर रहा है और कहता है कि जी मोटरसाइकिल 2022 मॉडल का है, और आपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स पे 2020 देखा है, देखा है, आपको मालूम है, ठीक है, कि भाई गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पे, यानी कि वो चीज जो आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, अगर उसने मॉडल ऑफ द मोटरसाइकिल 2022 बताया है और आप गाड़ी के पेपर्स में से देख सकते हो कि ये 2020 है, सही है, तो हमने कहा फिर ये आप वॉइडेबल नहीं है, क्यों, ये चीज तो आपने देखनी थी ना। आप कोई आपको फोन सेल करता है और कहता है कि जी ये iPhone 14 प्रो मैक्स है, वो आपको इसका डब्बा शब्बा हर चीज देता है, जबकि आप उस फोन को देख के समझ सकते हो कि जी iPhone 14 प्रो है, खाली मैक्स नहीं है। हमने कहा ये चीज तो आप देख सकते हो, डब्बे से पढ़ सकते हो, हमने कहा यहाँ पे वर्डेबल नहीं होगा। दूसरी चीज कि वही जैसे हमने फ्रॉड में कहा कि भाई आपके साथ पार्टी ने मिस रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है, लेकिन आप जो डिसीजन ले रहे हो उसकी बेसिस वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बेसिस इज नॉट मिस रिप्रेजेंटेशन, आपने अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया, उसने आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है लेकिन आप मिस रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में आई नहीं। फॉर इंस्टेंस वही एग्जाम्पल लेते हैं कि जनाब ए ये चाहता था, ए अपनी कंपनी के शेयर्स सेल करना चाहता था बी को, ठीक है, उसके लिए हमने कहा उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाई, यहाँ पे ए ने उसके साथ फ्रॉड किया, ठीक है, ये हमने ए में फ्रॉड के केस में देखा था, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि बी ए खुद फिजिबिलिटी स्टडी बनवाता है कि भी क्या मुझे बिजनेस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और भी फिजिबिलिटी जिस एक्सपर्ट से बनवाता है वो एक्सपर्ट की रिपोर्ट ठीक नहीं है, उस रिपोर्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, लेकिन भी उस रिपोर्ट को देखे बगैर ए के शेयर्स ले लेता है, तो क्या भी इस एक्सपर्ट पे केस कर सकता है कि तुमने गलत रिपोर्ट बनाई थी, तुम मेरे नुकसान भरो। हमने कहा नहीं, क्यों, इग्नोरेंस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन है, उसने उस बेसिस पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, उसने कहा मिस रिप्रेजेंटेशन जरूर है लेकिन वो दैट मिस रिप्रेजेंटेशन डज नॉट कॉज द कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें उसकी रीजन वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। जी कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? डिफरेंसेस देख लें जो पास्ट पेपर में है। फ्रॉड के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, इंटेंशन टू डिसीव होती है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इनोसेंट होती है, यहाँ पे धोखा देना पर्पस नहीं होता। फ्रॉड एक सिविल रॉन्ग है और इसके अंदर हमने कहा वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, यहाँ पे डैमेजेस सिर्फ तब मिलेंगे अगर कोर्ट कहेगी, कोर्ट जैसे कहेगी तब होगा, इसके अंदर डैमेजेस आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं और जो आपका नुकसान हुआ आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। जी कोई सवाल? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काइंडली डन का मैसेज कीजिए तो दैट आगे चले।
Guys, just give me a minute. अच्छा जी, चलिए जी मिस्टेक पे चलते हैं। तो मिस्टेक का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज बढ़ा, ठीक है। मिस्टेक की डेफिनेशन मकन डायलॉग यानी कि बेयर एक्ट के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन डिस्कस उसने किया है आपके सेक्शन जो है वो 20, 21, 22 बेयर एक्ट के, उसमें से इसको डिस्कस की है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं बताया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जी हमने मिस्टेक को कह दिया कि मिस्टेक क्या है, एक एरोनियस बिलीफ है, आपको लग रहा होता है ऐसे है, यानी कि गलती, ठीक है। कि जी आपको एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका खुद की सोच है कि ये चीज ऐसे और आप उसको ट्रू समझ रहे होते हैं, ठीक है। अब मिस्टेक दो तरह की है, ठीक है। हमने कहा कि एक तो हमारे पास है मिस्टेक एज टू फैक्ट, हमने कहा मिस्टेक दो तरह की है, एज टू फैक्ट एज टू लॉ, सही है। अब अगर एज टू फैक्ट देखें तो हमने कहा ये भी हो सकता है दोनों पार्टीज मिस्टेक पे हो, यानी कि ये बायलेटरल मिस्टेक हो, बायलेटरल का मतलब है दोनों पार्टीज मिस्टेक पे हैं किसी भी चीज के फैक्ट की बेसिस पे, या एक पार्टी मिस्टेक पे हो। एज टू लॉ में भी दो टाइप्स हैं कि मिस्टेक एज टू पाकिस्तानी लॉ एंड मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ, सही। अब हमारे पास जो मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ है, ठीक है, उसमें भी हमने कहा फर्दर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है, ठीक है। हमने कहा जो फॉरेन लॉ है उसके अंदर भी दो टाइप्स है, वो दो टाइप्स कौन सी है, बायलेटरल दोनों पार्टीज मिस्टेक पे, और यूनिलेटरल दोनों एक पार्टी मिस्टेक पे, ठीक है। हमने कहा मिस्टेक की दो टाइप्स हैं, एज टू फैक्ट एज टू लॉ। एज टू फैक्ट में भी फर्दर टू टाइप्स हैं, बायलेटरल यानी कि दोनों पार्टीज मिस्टेक पे हैं, यूनिलेटरल एक पार्टी मिस्टेक पे। अब ये जो एज टू फैक्ट है यानी कि आपकी जो सब्जेक्ट मैटर है उसका कोई चीज है उससे रिलेट कर रही है, अब उस सब्जेक्ट मैटर की हो सकता है, या एज टू फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वो क्या हो सकता है, हो सकता है उसकी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड बात हो, बात समझ गए। कि फॉर इंस्टेंस हमने कहा ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें अपना हॉर्स सेल करूंगा, और हमने कहा ई को इस चीज का पता ही नहीं है कि घोड़ा तो मर चुका है, ठीक है। हमने कहा अब ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टीज को इस चीज का नहीं पता कि वो दैट हॉर्स इज डेड, ठीक है। तो हमने कहा उसकी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो, उसकी क्वांटिटी से रिलेटेड हो सकता है। फॉर इंस्टेंस हमने कहा कि ए कहता है मैं तुम्हें अपने तमाम हॉर्सेस सेल करूंगा बी को,
अब ए के पास सपोज 3 horses और बी को लगता है कि 5 horses है, अब दोनों मिस्टेक में है, ए के पास इन रियल 3 हैं जबकि बी को क्या लग रहा है 5। हमने कहा क्वांटिटी से रिलेटेड मिस्टेक भी हो सकते हैं, इसी तरह क्वालिटी से रिलेटेड भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस ए बी से कहता है मैं तुम्हें अपना हॉर्स सेल करूंगा और वो उसको एक रेसिंग हॉर्स सेल करना चाहता है, जबकि बी को लगता है कि वो कौन सा सेल करना चाहता है, कार्ट हॉर्स, जो हम वो जो एक घोड़ा गाड़ी टाइप की होती है उसके साथ लगाते हैं। सही। इसी तरह हमने कहा प्राइस से रिलेटेड भी हो सकता है कि ए को ए जो उसको सेल करना चाह रहा है वो हमने कहा जी सपोज 7500 का सेल करना चाह रहा है और बी समझ रहा है 5700 का। ठीक है। इसी तरह आइडेंटिटी से रिलेटेड भी हो सकता है कि किसी चीज की पहचान। ठीक है, सही है। इसके अलावा हमने कहा टाइटल ओनरशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये है एज टू फैक्ट, फैक्ट किस चीज का, उस चीज का एग्जिस्टेंस, उस चीज की क्वांटिटी, उस चीज की क्वालिटी, उसकी प्राइस, उसकी आइडेंटिटी, उसका टाइटल ऑफ द गुड्स। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर दोनों पार्टीज मिस्टेक पे हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। अगर दोनों पार्टीज मिस्टेक पे हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, और अगर एक पार्टी मिस्टेक पे हो तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, वॉइडेबल नहीं होगा। दोनों पार्टीज मिस्टेक पे है, एग्रीमेंट वॉइड है। एक पार्टी मिस्टेक पे है, एग्रीमेंट वैलिड है। आप समझ गए, एक पार्टी अगर मिस्टेक पे है तो एग्रीमेंट वैलिड होगा। फॉर इंस्टेंस हमने कहा ए जो है वो बी से एक पेंटिंग खरीदता है। अब हमने कहा मैटर ऑफ द फैक्ट प्राइस की बात करते हैं। ए को लगता है ये पेंटिंग 1 लाख रुपए की, असल में वो पेंटिंग 5000 की थी। ए ने कहा ठीक है मैं 1 लाख रुपया दूंगा। अब ए इज एट द मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। बाद में ए कहता है नहीं ये पेंटिंग तो 5000 की थी तो मैं 1 लाख की तो नहीं लूंगा। उन्होंने कहा नहीं, तुमने खुद प्राइस कोट किया 1 लाख रुपए की, चाहे यू वर एट मिस्टेक द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, चाहे यू वर एट यूनिलैटरल मिस्टेक, बी वाजंट एट मिस्टेक। ए को लगा, ए का सोच थी कि 1 लाख की है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया मैं 1 लाख की खरीदूंगा। फ्रेंड्स ए घर देखने गया, उसको घर बहुत पसंद आया, उसने कहा मैं घर 5 करोड़ का खरीदूंगा, असल में वो घर 50 लाख का था। सही है, इन रियलिटी दैट हाउस वाज वर्थ 50 लाख, लेकिन ए ने खुद कहा कि मैं 5 करोड़ में खरीदूंगा, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। क्लियर है ये बात, मिस्टेक एज टू फैक्ट क्लियर है कि जब भी मिस्टेक एज टू फैक्ट होगी तो हम देखेंगे दोनों पार्टीज मिस्टेक पे है या सिंगल पार्टी मिस्टेक पे। अगर दोनों पार्टीज मिस्टेक पे हैं तो एग्रीमेंट इज वॉइड, सिंगल पार्टी मिस्टेक पे तो एग्रीमेंट इज वैलिड। मिस्टेक एज टू लॉ देखते हैं। लॉ में हमने कहा दोनों लॉज आ गए, पाकिस्तानी आ गया और फॉरेन लॉ आ गया। फॉरेन लॉ में भी अगर दोनों पार्टीज मिस्टेक पे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, अगर एक पार्टी मिस्टेक पे है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अब मजे की बात, व्हाट अबाउट द मिस्टेक एज टू पाकिस्तानी लॉ। हमने कहा पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक की इजाजत नहीं है। क्यों? फॉर इंस्टेंस आप रोड पे जा रहे थे, आपने रेड सिग्नल पे क्रॉस किया, ट्रैफिक कांस्टेबल ने आपको रोका कि आपने रेड सिग्नल पे गाड़ी आगे लेके गए, आपने क्या किया, ट्रैफिक की वायलेशन किया, आप पे फाइन होगा। ठीक है, ये क्राइम है, ओवर स्पीडिंग करना या ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना, इट्स अ क्राइम। आप आगे से कहते हैं भाई मुझे तो ट्रैफिक के कानून आते ही नहीं, मैंने ट्रैफिक के कानून वाला लॉ पढ़ा ही नहीं। मैंने तो उन्होंने कहा जनाब अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपका प्रॉब्लम, आप रोड पे क्यों आए? अगर आपको एक कानून नहीं पता था तो गाड़ी क्यों चला रहे हो? पुलिस वाला तो यही कहेगा ना।
कि भाई गाड़ी आपने तभी चलानी थी जब आपको कानून का पता होना था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कहीं पे भी एक्सक्यूज नहीं होता कि मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी। अगर पाकिस्तान आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज प्रोक्योरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो पाकिस्तान का जो कानून है, पेपरा रेगुलेशंस, आपको मालूम होने चाहिए। बात समझ गए? अगर आप YouTube पे किसी की वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको लॉ मालूम होना चाहिए साइबर क्राइम का। आप ये नहीं कह सकते हो मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर मैंने किसी की वीडियो अपलोड कर दी या किसी के बारे में कोई बात कर दी तो इस पे भी कानून है, मुझे सजा हो सकती है। हमने कहा नहीं, मिस्टेक एज टू लॉ जो है, अगर आपने की है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ये नहीं समझा जाएगा कि जनाब आपने, आपको तो मालूम ही नहीं था, आपको किसी किस्म की छूट नहीं मिलेगी। ना तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, ना ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, बल्कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, एरोनियस ओपिनियन का। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? राय। ठीक है, मुझे लगता है कि आईकैप ऐसा सवाल पूछ सकता है, हो सकता है ना पूछे, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, तो अगर किसी चीज की, मैंने कहती हूँ मुझे लगता है इस लैपटॉप की प्राइस अराउंड 50,000 होगी, ये मेरी एक राय है, ये मेरी एक ओपिनियन है विद रिगार्ड टू वैल्यू ऑफ थिंग। मेरी ओपिनियन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अगर एक पर्सन आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि मैं तुम्हें ये लैपटॉप सेल करूंगा, सपोज 7500 का, ए बी से कहता है, और एक के ओपिनियन, एक क्या वो लगता है, कि को लगता है, कहते हैं मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये जो है 5,000 से ऊपर का होगा। मुझे ओपिनियन में जी, मेरी राय है कि ये मार्केट में अच्छा सेल हो जाएगा, तो ये मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन है। मैं एक बिजनेस सेल करना चाह रही हूँ, मैं कहती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। कहती हूँ ये मेरा घर है, इसके पास से बड़ी मेन रोड कंस्ट्रक्ट होने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी। और अगर उसकी कीमत ना बढ़ी तो हम ये नहीं कहेंगे कि मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, तो उसकी ओपिनियन थी, एक राय थी, ऐसा हो भी सकता और ऐसा नहीं भी हो सकता। ठीक है, मिस्टेक के तहत अगर आपने किसी से कोई बेनिफिट लिया होता है, कोई पैसे लिए होते हैं, कोई होते हैं, तो वो आपने वापस करनी होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्री कंसेंट। एनी क्वेश्चन? जी, किसी का कोई सवाल? ये बात लिखी हुई है एरोनियस ओपिनियन वाली, और इसके साथ एग्जाम्पल भी मेंशन है। सही है, मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा पेपर आसान आएगा और पेपर बड़ा मुश्किल आता है, तो आप लोग मेरे पे केस नहीं कर सकते। या मैं आपसे कहूँ कि मुझे लगता है ना इस दफा ना वो फ्रॉड से सवाल जरूर पूछेगा, तो दैट्स माय ओपिनियन, आप मेरे पे केस नहीं कर सकते। वो मिसने कहा था सवाल पूछेगा, सवाल ही नहीं पूछा उन्होंने, चलो जी मैं इस पे केस कर लेती हूँ। मैं कहूंगी भाई मेरा तो मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट था ही नहीं, मैंने तो ओपिनियन दिया था, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। सही है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक, वॉइड एग्रीमेंट। कौन से एग्रीमेंट वॉइड होते हैं? सबसे पहला वॉइड एग्रीमेंट आप लोगों का बहुत ही फेवरेट,
कौन से एग्रीमेंट जिनको एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया गया है कि आप ये एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते किसी के साथ, ठीक है, किसी को शादी से रोक नहीं सकते, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। हमने कहा हर एक का बुनियादी हक है कि वो शादी करे, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि एक पर्सन है, उसकी एज है 17 इयर्स, ठीक है, तो वो उसको हमने कहा दूसरा पर्सन शादी करने से रोक रहा है, ठीक है, उसे कहता है कि तुम शादी ना करो तो मैं तुम्हें, ए बी से कहता है 5 लाख रुपया दूंगा, और बी है 17 साल का, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? जी, किसी को स्पेसिफिक पर्सन से भी शादी से नहीं रोक सकते भाई। माइनर के, माइनर तो हमने कहा एक्सेप्ट फॉर द माइनर, माइनर की तो शादी ही नहीं हो सकती, क्यों? माइनर एज ऑफ मेजोरिटी में जाएगा, ठीक है, अदर देन माइनर, हमने कहा अदर देन माइनर, अगर आप माइनर के अलावा किसी को रोक रहे हो तो हमने कहा ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। माइनर को रोका जा सकता है, क्यों? माइनर की नहीं करा सकते शादी भाई, आपके ऊपर एक और केस आ जाएगा कि आपने अंडर एज पर्सन की शादी करा दी। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक केस चला था कि जिसमें एक अंडर एज खातून की शादी हो गई थी, तो क्या हुआ, कोर्ट ने फिर उसकी फेवर में दिया कि वो जो खातून है वो अपने पेरेंट्स के पास चली जाए, ठीक है, क्योंकि हमने कहा माइनर की शादी नहीं हो सकती, क्यों? माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो शादी भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कैसे हो सकता है? सही है, तो बाकी हमने कहा तमाम लोगों का राइट है, बिल्कुल कॉम्पिटेंसी की बात है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता कि जी, बाकी आप किसी पर्सन को रोक नहीं सकते फ्रॉम दी मैरिज। अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है कि अगर तुम शादी ना करो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, वो बेशक जाके शादी कर ले, ठीक है, उसके ऊपर किसी किस्म की लाइबिलिटी इनकर नहीं होगी। दूसरा एग्रीमेंट जिसको हमने पार्टनरशिप में कहा था, जी पार्टनरशिप में ये अप्लाई नहीं होता, जो के क्या था, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को मना करना कि तुम बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड। अगर आपने किसी से एग्रीमेंट किया है कि तुम इस एरिया के अंदर बिजनेस नहीं कर सकते, ए ने बी को कहा है कि तुम इस एरिया के अंदर बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपया देता हूँ और तुमने इस एरिया में बिजनेस नहीं करना, बी ने 5 लाख रुपए उससे ले लिए और फिर दुकान खोली, अब ए क्या कर लेता, कोर्ट के पास चला जाता है, इसने मेरे से 5 लाख रुपए भी लिए और इसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया था मैं बिजनेस नहीं करूंगा और ये कर रहा है, तो इसके ऊपर जरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डाले ना, तो कोर्ट क्या कहेगी, आप तो ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, वो एग्रीमेंट ही क्या था, वॉइड था। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन जरूर है, एक्सेप्शन क्या है कि जहां पे सेल ऑफ गुडविल आती है, ठीक है, कि जहां पे आपने सपोज ए है उसने तहजीब को सेल किया किसको, बी को, ए अब बी, जो बी है वो ए से कह सकता है कि तुम अब इस नाम की बेकरी एक रीजनेबल लिमिट तक, ये नहीं कह सकता कि पूरे पाकिस्तान में तुम खोल ही नहीं सकते हो, एक स्पेसिफाई करेगा लोकल लिमिट्स, कि सपोज लाहौर के किसी एरिया में तुम नहीं खोल सकते, कोई खास एरिया, बाकी जहां मर्जी खोल लो, कि सपोज हमने कहा ये तहजीब बेकरी उसने सेल की और इसी के साथ वो अपने एक और ओपन कर लेता ब्रांच, अब जो पब्लिक है, सपोज हमने कहा ओनर ये वाली बेकरी सेल करके यहाँ पे चले जाते, अब लोग तो इन सबको जानते हैं तो वो इसके पास आएंगे ही नहीं, तो इसको फिर खरीदने का क्या फायदा हुआ, इसको क्या फायदा हुआ? तो हमने कहा जो बायर है, जो बी बायर है, वो रिस्ट्रेंट कर सकता है सेलर को कि तुम एक खास लिमिट तक
तुम ऐसी बेकरी नहीं खोलोगे। क्यों? अगर तुम खोलोगे तो फिर मुझे क्या फायदा होगा इस बिजनेस को खरीदने का? मैंने तो गुडविल के पैसे भी दिए हैं, फिर भी लोग तुम्हारे पास ही आएंगे। ठीक है, और ये जो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स हैं, ये कौन डिफाइन करता है? ये हमने कहा हमेशा एक रीजनेबल होनी चाहिए। ये कोर्ट इन लिमिट्स को देखेगी भी, अगर कोर्ट को रीजनेबल लगेगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, तो ये लिमिट स्पेसिफाई की जाएंगी। लाहौर में नहीं करेगा, हाँ वैलिड होगा, एक स्पेसिफाई उसने लिमिट कर दिया, पूरे पाकिस्तान में तो नहीं मना किया ना करने से। ठीक है, लेकिन हम इसके अंदर लाजमी लिखेंगे कि ये जो लिमिट उसने स्पेसिफाई की है, कोर्ट लाजमी इसको अवेलुएट करेगी क्या ये रीजनेबल है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। ये बात लाजमी लिख के आनी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, कि इट्स वैलिडिटी डिपेंड अपॉन द कोर्ट जजमेंट विद रिगार्ड टू रीजनेबिलिटी, विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ बिजनेस। ये जो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट करेगी कि आप किस लिमिट तक बिजनेस कर सकते हो और कौन सा नहीं कर सकते, हमने कहा एक रीजनेबल लिमिट लगानी है, तो वो रीजनेबिलिटी कौन डिफाइन करेगा? कोर्ट। तो अगर आपका सवाल आ जाता है कि उसने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुमने लाहौर में नहीं करना, तो आप जवाब देंगे कि जनाब अगर ये रिस्ट्रिक्शन लाहौर वाली कोर्ट को रीजनेबल लगेगी विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ बिजनेस, तो देन इट्स फाइन, देन इट इज नॉट अ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल। ठीक है जी गैलेक्सी, जी गैलेक्सी आपका सवाल का अगर क्लियर है तो डन का मैसेज कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास, हमने कहा जी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, और तीसरा है हमारे पास रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। आप किसी को मना नहीं कर सकते कि आपने केस नहीं करना। किसी से आपने कहा कि ये लो 5 लाख रुपए और तुमने अब केस हम पे नहीं करना, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन अगर दो पार्टीज आपस में मिलके खुद एक एग्रीमेंट करती हैं, इसको हम रिस्ट्रिक्शन नहीं कहते, हम कहते हैं दिस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन। क्या चीज है ये? दो बातें रिस्ट्रिक्शन नहीं कहलाती। क्या दो बातें हैं? हमने कहा कि अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं कि हम अपना केस नॉट टू फाइल इन अ अपर कोर्ट ऑफ लॉ, कि हम अपना केस हमेशा हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे, आपस में एग्री करती हैं, तो हमने कहा इसको रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ना कहो, ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं है। ठीक है, या दोनों पार्टीज एग्री कर लेती हैं कोर्ट, अगर हमारे दरमियान एग्री कर लेती हैं, सिलेक्ट कर लेती हैं वन कोर्ट बिटवीन इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट, सपोज लाहौर कोर्ट है, रावलपिंडी कोर्ट है, ठीक है, वो कहते हैं हम अपना डिसीजन हमेशा रावलपिंडी कोर्ट में लेके जाएंगे। ठीक है, क्यों? एक कोर्ट डिसाइड कर लेती है, तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, दिस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, ये एक्सेप्शन नहीं है। अगर वो सवाल आपसे पूछता है कि इस तरह की सिचुएशन है कि कोर्ट्स आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि हम हमेशा अपर कोर्ट में नहीं जाएंगे, या हम एक कोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने क्या कहा? ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या ये इसकी एक्सेप्शन, हम कहेंगे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम ये नहीं कहेंगे ये एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन और रिस्ट्रिक्शन में डिफरेंस है। एक्सेप्शन क्या होती है? कि भाई इस चीज को रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग कोई आपको रोक रहा है, लेकिन स्टिल आपका एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। जैसा हमने कहा कि यहाँ पे ऊपर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, हमने कहा था ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा, लेकिन द केस ऑफ सेल ऑफ ए गुडविल, अगर आप किसी को रोक रहे हो कि तुमने बिजनेस नहीं करना, तो हमने कहा एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, एग्रीमेंट वैलिड है।
गुडविल की सेल है, आप उसको एक रीजनेबल लिमिट तक मना कर सकते हो। इसी तरह रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग भी कुछ सर्कमस्टेंसेस है जहां पे आप किसी को मना कर सकते हो कि तुम केस नहीं कर सकते, तो उस चीज को एक्सेप्शन कहेंगे। लेकिन हमने कहा अगर पार्टीज इस तरह के एग्रीमेंट करती हैं तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के एक्सेप्शन नहीं है। इन दोनों में फर्क। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि हम कहेंगे कि आप एक दूसरे को, जी कंडीशन आ जाती है कि आप मना कर रहे हो कि भई ये लीगल प्रोसीडिंग की तरफ नहीं जाते, लेकिन आपका, हमने कहा कि अगर आप किसी को मना करते हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से तो वो हमेशा वॉइड होगा। यहाँ पे आप मना कर रहे हो लेकिन एग्रीमेंट फिर भी वैलिड है। एग्रीमेंट वैलिड है, वो क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर पार्टीज आपस में एग्री कर लें कि अगर हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम कोर्ट में जाने की बजाय आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। आर्बिट्रेशन क्या होती है? मसाले की काउंसिल, ठीक है, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, ठीक है। इंस्टेड गोइंग टू कोर्ट वी विल गो टुवर्ड्स आर्बिट्रेटर, ठीक है। आर्बिट्रेटर से कहेंगे कि हमारे दरमियान होने वाले डिस्प्यूट का फैसला, या इन अगर आप सपोज कोर्ट के पास आपका केस चल रहा है, आप कोर्ट से कहें कोर्ट आप होल्ड करें, हम आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है तब भी आप कह सकते हो कि हम आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं। क्लियर है? आप पहले से एग्री कर लो कि हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, या अगर आपका इवन कोर्ट में केस चल भी रहा है तो आप कोर्ट को होल्ड कर लो कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, हम आर्बिट्रेटर के पास। इसके अलावा हमने कहा जी चौथी एग्जांपल के एग्रीमेंट वॉइड होगा। हमने कहा पहला रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज था, दूसरा रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, तीसरा रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है, एंड लास्ट है हमारे पास अनसर्टन एग्रीमेंट। अनसर्टन एग्रीमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। अनसर्टन क्या होता है? जिसके अंदर एग्रीमेंट की टाइमिंग से रिलेटेड या उसकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड बात क्लियर ना हो, जो सर्टन ना हो, ठीक है। कि ए बी से कहता है आई विल सेल यू एप्पल, कितने एप्पल, हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच, कहते वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच कितना मच, ठीक है, कितनी क्वांटिटी सेल करोगे, सही है। या ए बी से कहते हैं आई विल सेल यू अ फ्रूट, विच फ्रूट, आई विल सेल यू ऑयल, विच ऑयल, ठीक है। कि आप सर्टेनिटी बताओ ना। या मैं किसी से कहती हूँ कि आई विल सेल यू ऑल माई क्रॉप्स, जितनी मेरी फसल होगी मैं तुम्हें सेल करूंगा, हाउ मच क्रॉप, क्वांटिटी बताओ कितनी, व्हाट वुड बी द प्राइस, ठीक है। तो जब आप नहीं बताते क्वांटिटी, नहीं बताते प्राइस, नहीं बताते, वही बात, ऑफर ही सर्टेन नहीं है। हमने कहा ऑफर सर्टेन होनी चाहिए थी, डेफिनेट होनी चाहिए थी, हाउ मच, ठीक है, कितनी है, क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, सही है। तो जब आप सर्टेन नहीं हो, हमने कहा ऐसा एग्रीमेंट भी क्या होता है, वॉइड होता है। अच्छा जी, क्लास का टाइम खत्म हो गया है, एक हमारे पास छोटा सा टॉपिक रह गया है, वेजरिंग एग्रीमेंट। तो अगर आप कहेंगे तो मैं करवा देती हूँ, नहीं तो इसको कल कर लेंगे। जी, अगर ये ज्यादा लोगों का जवाब यस आया, 10 लोग हैं, 6 लोगों ने कहा करवा दे तो करवा दूंगी, और अगर ज्यादा ने कहा नहीं करवाएं तो फिर कल करेंगे, ये बताइए।
कह रहे हैं कल कर लें, बाकी कह रहे हैं करवा दें, करवा देते हैं, सिंपल है। वेजरिंग एग्रीमेंट की बात करते हैं। वेजर का से मुराद क्या होती है? वेजर से मुराद होती है बेट। मैं कहती हूं अगर नुमान रशीद पेपर में पास हो गया तो क्या करेंगे हम? गैलेक्सी को 1,000 रुपए देंगे। नुमान रशीद अगर पेपर में पास हो गया तो मैं गैलेक्सी को 1,000 रुपए दूंगी। अब नुमान रशीद पास होगा या नहीं होगा इसको किसको पता है? इंशाल्लाह पास होगा, ठीक है, लेकिन ये एक अनसर्टन इवेंट है, वी डोंट नो। ये तो पता चलेगा पेपर वाले दिन और रिजल्ट वाले दिन कि भाई एक ऐसे इवेंट के ऊपर मैंने एक एग्रीमेंट किया दो पार्टीज के दरमियान कि मैं तुम्हें या तो कोई पैसे दूंगी, कोई सम ऑफ मनी, या कोई चीज दूंगी बी को, ठीक है। और ये मैं क्यों दूंगी? अगर कोई एक अनसर्टन इवेंट हुआ या ना हुआ, अगर कल बारिश हुई तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगी, अगर कल पाकिस्तान मैच जीता इंडिया से तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ए और बी का इस इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग में, इस विनिंग या लूजिंग के अलावा कोई और इंटरेस्ट है? किसी किस्म का कोई और इंटरेस्ट है? नहीं, सवाल विनिंग और लूजिंग के। याद रखिएगा अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में फर्क ही यही होता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। हमने कहा कि दो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक पोर्ट के ऊपर, और यहां से बैठ के मजे से समुंदर को देख रहे हैं और शिप को देख रहे हैं, एक शिप ने आना है, ठीक है, सही। ये बंदा कहता है अगर शिप आज पोर्ट पे आ गई तो मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा, और अगर ना आई तो तुम मुझे 1,000 रुपए दोगे। यानी कि इस शिप का पोर्ट पे आने में इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट किस चीज पे है? विनिंग या लूजिंग पे। ऐसा नहीं इस शिप में उनका सामान आ रहा है, ठीक है, उनका सामान आ रहा है और उसने उस सामान को सेल करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस चीज पे कर रहे हैं? विनिंग और लूजिंग पे। तो याद रखिएगा ऐसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? वॉइड। ऐसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हैं, ठीक है। अगर ए ने बी से कहा कि शिप आई तो मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा, और शिप आ गई और ए ने 1,000 रुपए ना दिए, बी कोर्ट में चला गया, कोर्ट क्या कहेगी? ऐसा एग्रीमेंट ही वॉइड है, इट्स नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आप 1,000 रुपए क्लेम भी नहीं कर सकते, क्यों? एग्रीमेंट ही क्या है? वॉइड है। आज समझ गए? हमने कहा कि जी एक मैच हो रहा है, सही है, और उस मैच के अंदर हमने कहा कि ये दो पर्सन दूर बैठे हुए हैं, ये कहते हैं अगर पाकिस्तान जीता तो तुम मुझे 1,000 रुपए दोगे, ठीक है। तो हमने कहा ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है, लेकिन हमने मैच के अंदर क्या हो रहा है, वो कहते हैं जो भी विनिंग टीम है, सपोज जो विनिंग टीम है उसको 50,000 प्राइज मिलेगा, और जो सेकंड आने वाली टीम है उसको 10,000 प्राइज मिलेगा, और ये जो प्राइज है
ये जो स्टेडियम में जितने लोग मैच देखने आए हैं उनकी टिकट मनी से मिल रहा है। जीतने वाली टीम को 50,000 रुपए, सेकंड आने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। क्या ये वैलिड, क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, क्या ये शर्त है? जी ये वैलिड है, ये वेजर नहीं है, ये शर्त नहीं है। हमने कहा जीतना, जो जीतेगा उसको 50,000 रुपए मिलेगा इनाम। कहाँ से मिलेगा? उस टिकट मनी से जो लोगों ने दिए। तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट है। अगर जीतने वाले को 50,000 रुपए ना मिले वो कोर्ट में केस कर सकता है। क्यों? हमने कहा कि ये वो शर्त नहीं है, ये शर्त ही है जो दो लोग बैठ के लगा रहे हैं। बात समझ गए? अगर देर इज सम प्राइज मनी, वो प्राइज मनी आपको पे हो रहा हो फ्रॉम द टिकट मनी, दिस इज अ वैलिड। ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि सिंस आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी पुराना है तो यूजली इससे रिलेटेड सवाल वो पूछता नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक्सेप्शन आनी चाहिए कि इसके अंदर हॉर्स रेस पिछले जमानों में, वक्तों में हुआ करती होती थी, और उस हॉर्स रेस की ये है कि अगर विनर ऑफ द हॉर्स रेस था, उसमें हम कहते थे कि जी उसको जो प्राइज वैल्यू अगर 500 से या उससे ज्यादा की दी जाती है तो दैट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, आप इसको याद करने से रिलेटेड एमसीक्यू में भी आ सकता है, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये काफी पुराना है, इसको अपडेट होना चाहिए, बट इट्स नॉट अपडेटेड। ठीक है, अब एक और पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, हमने कहा कि जी हमने तमाम वेजर एग्रीमेंट को कह दिया वॉइड है। हमने कहा कोई अगर एग्रीमेंट इससे कोलैटरल है वो भी वॉइड होगा। कोलैटरल का मतलब क्या होता है? इसके साथ जुड़े होना। कि ए ने बी से कहा कि जनाब अगर पाकिस्तान जीता तो मैं तुम्हें 1,000 रुपीज दूंगा इफ पाकिस्तान वन द मैच। ठीक है, और बी ने कहा कि बी ने आगे से एग्रीमेंट किसके साथ? सी से कर दिया कि पाकिस्तान अगर जीता तो मैं तुम्हें भी 1,000 रुपीज दूंगा। हमने कहा ये जो एग्रीमेंट था कि या सी से कहता है सॉरी है कि मुझे ए जब पैसे देगा तो मैं तुम्हें भी पैसे दूंगा। ठीक है, जब मुझे ए पैसे देगा 1,000 रुपए तो मैं तुम्हें भी दूंगा, कमीशन दूंगा या कुछ और भी चीज दूंगा। तो हमने कहा ये जो एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट के साथ एफिलिएटेड है, जुड़ा हुआ। हमने कहा अगर वाइड एग्रीमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट लेटरल हो, सवेजरिंग एग्रीमेंट, वो भी वॉइड, यानी कि बी का एग्रीमेंट विद द सी के ए पैसे देगा तो मैं तुम्हें भी दूंगा, दिस इज वॉइड। ठीक है, हमने कहा आप किसी किस्म का केस ऐसे एग्रीमेंट्स के तहत नहीं कर सकते। उसने पूरा क्राइटेरिया बता दिया कि कोई भी सूट या केस आप फाइल नहीं कर सकते ऐसे किसी पैसे के लिए जो वेजरिंग एग्रीमेंट के तहत हो, या इस किस्म के कमीशन या ब्रोकरेज या फी से रिलेटेड जो भी वॉइड एग्रीमेंट के तहत हो। ठीक है, वेजरिंग के तहत हो। ठीक है, या फिर हमने कहा कि आपने फर्दर आगे किसी और को कमीशन या ब्रोकरेज देना है, ठीक है, तो वो भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, कैसे हो सकता है कि हमने कहा दो लोग, जैसे एग्जाम्पल देखें कि साजिद और माजिद, ये 5,000-5,000 रुपए नवाज के पास डिपॉजिट करवा देते हैं पहले से। ठीक है, जैसे हम वो लूडो खेलते होते थे, एक आपके पास एक लूडो की ऐप होती थी, उसमें क्या होता था कि जी आप वो पैसे, एक पार्टिसिपेंट, एक प्लेयर भी अपने कॉइन्स देता था, दूसरा भी देता था। ठीक है, यानी कि साजिद और माजिद दोनों ने 5,000 नवाज को दे दिए। ठीक है, तो जो विनर होगा उसको 10,000 मिल जाएगा, वो साजिद विनर हुआ साजिद को मिल जाएगा, माजिद हुआ तो माजिद को मिल जाएगा, और हम कहते हैं नवाज हम तुम्हें थोड़ा सा ना कमीशन दे देंगे, और कमीशन कौन देगा? जो जीतने वाला होगा, जो जीतेगा वो नवाज को फर्दर कमीशन दे देगा। हमने कहा ऐसा एग्रीमेंट ही वॉइड है, ऐसा कमीशन भी वॉइड है। अगर साजिद ने माजिद को पैसे ना दिए या नवाज ने साजिद या माजिद को विनिंग अमाउंट ना दी,
वो कोर्ट में केस नहीं कर सकते, या विनर ने नवाज को कमीशन नहीं दिया वो कोर्ट में केस नहीं कर सकते। क्लियर है? इसके अलावा अगर किसी ने सपोज एक माइनर है जाके वेजरिंग एग्रीमेंट किसी के साथ शर्त लगा के आ जाता है और उस शर्त के पैसे उसका गार्डियन दे देता है, ठीक है, या हमने कहा किसी पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे पैसे दे देते हैं, हमने कहा दिस इज वेजरिंग एग्रीमेंट, ये वॉइड है। अगर किसी ने जाके किसी माइनर के पैसे दे दिए हैं तो वो बाद में कहे मैं माइनर की प्रॉपर्टी में से क्लेम लेता हूँ, हमने कहा नहीं आप नहीं ले सकते। किसी ने किसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने, ठीक है, उसके डिसीज की जगह पे किसी के पैसे दे दिए वेजरिंग एग्रीमेंट के तहत, वो कहता है मैं उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम ले लूं, नहीं ले सकते। भाई वो एग्रीमेंट ही वॉइड था, आपसे किसने कहा था पैसे दें, आपसे किसने कहा था पैसे दें, अब आप क्लेम नहीं कर सकते। सही है? यानी कि अगर एक माइनर किसी के साथ वेजरिंग एग्रीमेंट करता है और माइनर शर्त हार जाता है और उसको पैसे देने पड़ देते हैं 5,000 रुपए, और माइनर नहीं देता उसका गार्डियन दे देता है, या माइनर के बिहाफ पे कोई और पर्सन दे देता है और कहे मैं माइनर की प्रॉपर्टी से क्लेम कर लूं, मैं कहा नहीं पॉसिबल। क्यों? ये माइनर का, पहली बात माइनर एग्रीमेंट कर नहीं सकता, अगर माइनर ने वेजरिंग एग्रीमेंट किया तो वो भी वॉइड है, और हर वॉइड एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ कोलेटरल एग्रीमेंट वो भी वॉइड है। बात समझ गए? साजिद माजिद अब्दुल कदीर, समझ नहीं आई साजिद माजिद की? इतने परेशान थे साजिद माजिद में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 4। क्लियर है जी? कोई सवाल? आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने इसके सिनारियो बेस्ड एक तो किताब के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं और रीसेंट अटेम्प्ट के सवाल को भी देखना है। कल का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर 5 एंड चैप्टर 8, यानी कि हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करना है और चैप्टर 8 करना है जो कि हमारे पास है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। और हो सकता है क्योंकि सिर्फ ये दोनों चैप्टर्स छोटे छोटे हैं कि हम एक आध चैप्टर में भी चैप्टर 5 इनके 6 परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी कर ले। रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? वो यूट्यूब पे देख लेना, जहाँ पुरानी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है वहीं पे होगी, उसी लिंक में। आप यूट्यूब पे लिखेंगे अमाना सजाद हुसैन रिवीजन सेशन बी लॉ के, वो खुद ब खुद आ जाएगा। आज के दौर के बच्चे बने कोई इतने ऐसी बातें करते हैं कि लिंक ही भेजा जाए। भाई आप डायरेक्ट जाके इवन अपना नाम लिखें अब्दुल कदीर साहब, आपसे रिलेटेड ढेरों ढेर यूट्यूब वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, तो आप कोई भी क्लू दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया, सिर्फ कीवर्ड लिखें। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स देखिए, मर्केंटाइल लॉ के अंदर एग्जाम्पल्स आपने जब खुद भी पढ़ना है तो अपनी डेली लाइफ से, रूटीन से एग्जाम्पल्स निकाला करें, अपने आप को जितना आसान करके चीजों को खुद अपने लिए बनाएंगे। और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि हमारी कौमी जबान अंग्रेजी नहीं है, हमारी कौमी जबान उर्दू है, हमें चीजें उर्दू में समझ आती है, हमारा दिमाग चीजों को प्रोसेस उर्दू में करता है। तो जब भी आपको कोई चीज समझ ना आए उसका उर्दू तजुर्बा तर्जुमा किया, ठीक है, कि अपने दिमाग को जब समझाना हो तो उर्दू में उसको कन्वर्ट किया करें और समझ जाया करें। ठीक है, तो ठीक है, चलेंगे यहाँ पे करते हैं क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।